तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम अभयदां जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कंदर पाया गया
परायणं परतरं
रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनी गर्भसम्भूत कपीन्द्रः सचिवोत्तमम्। रामप्रिय नमस्तुभ्यं, हनुमन् रक्ष सर्वदा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेतुबंध के समय अपने इष्टदेव भगवान शंकर की स्थापना की रामेश्वर के रूप में। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, षष्ठी तत्पुरुष समास। सेतुबंध जब हो रहा था, कुछ बड़ी मधुर घटनाएं हुई है वहां पर। इतना बड़ा कार्य स्वाभाविक है, किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, कई लोग जुड़े हुए थे। अंदर बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ उठा करके ले आते हैं, पत्थरों के ऊपर राम लिखते हैं, समंदर में डालते हैं, पत्थर तैरते हैं। भगवान राम जी ने देखा ये हो कैसे रहा है, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध की बात है, पत्थर तैरे। पत्थर का तो स्वभाव है डूब जाना, ये कैसे तैर रहे हैं। आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। राम जी ने सोचा कि देखना तो चाहिए इसे कैसे हो रहा। अब बड़े लोगों की कुछ मर्यादा होती है। मैं जीवन में आपको ये भी बता दूं, बहुत बड़ा बन जाने में बहुत सुख नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मर्यादाएं आ जाती हैं। थोड़े से छोटे रहने में जो मजा है ना, सामान्य व्यक्ति को लगता है अरे बहुत बड़े बन गए क्या मजा होगा उनको। बड़ा बनना जीवन में बहुत बलिदान मांगता है, कई मर्यादाएं आ जाती हैं बड़े लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि वो अपनी मनचाही नहीं कर सकते। छोटा आदमी अपनी मनचाही करके छूट सकता है, बड़ा आदमी अपनी मनचाही नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग पहचानते हैं। छोटे आदमी को अगर इच्छा हो जाए कि रास्ते पर किसी ठेले वाला है और उसकी पानी पूरी बड़ी अच्छी है, छोटे आदमी को इच्छा हो जाए तुरंत चला जाए पानी पूरी खा ले। बड़े आदमी को अगर इच्छा हो जाए कि पानी पूरी के बारे में बहुत सुन रखा है लेकिन जा नहीं सकता, रोक दो।
वो जा नहीं सकता ऐसे। भगवान राम जी के मन में प्रश्न तो निर्माण हुआ कि ये कैसे हो रहा है, पत्थर भला कैसे तैरते हैं। तो दो तीन लोगों से जाकर पूछा भी कि ये पत्थर तैर कैसे रहे हैं। उन लोगों ने कहा बस प्रभु आपका नाम लिखते हैं तैर जाते हैं। राम जी ने कहा इस बात की गहराई में जाना पड़ेगा जरा, अब सबके सामने तो वो कर नहीं सकते, थोड़े से दूर हटे, देखा आसपास में कोई है नहीं, एक पत्थर उठाया, राम लिखा, समंदर में फेंका, डूब गया। भगवान कहते हैं कमाल है, चलो कोई अलग किस्म का पत्थर आ गया होगा। दूसरा पत्थर उठाया, राम लिखा, फेंका, डूब गया। तीसरा, चौथा, तो सोचते हैं ये सब, ये लोग इतने बड़े बड़े पत्थर भी फेंकते हैं तो टायरते हैं, मैं छोटा सा पत्थर भी उठा के राम लिखूं और फेंकूं तो डूब जाता है, ये कैसे हो रहा है। पांचवा पत्थर प्रभु उठाने जा रहे थे, इसने किसी पेड़ के पीछे से हनुमान जी देख रहे, देखा भगवान ने पत्थर फेंक दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने देखा आप क्या कर रहे थे। राम जी ने कहा तूने देखा, आ फिर बाहर इधर। हनुमान जी समीप आए, बोलिए प्रभु क्या है सर। हनुमंत ये लोग बड़े बड़े पत्थर पर मेरा नाम लिखकर फेंकते हैं समंदर में, वो पत्थर तैरते हैं, मैं स्वयं जो पत्थर हाथ में लेता हूँ मेरा नाम लिखता हूँ और अपने हाथों से जो फेंकता हूँ वो डूब जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ऐसा ही होगा ना, आपके नाम से पत्थर भी तैर सकते हैं लेकिन जो आपके हाथ से छूटा वो भला इस भवसागर में कैसे तैर सकता है। जिसने जिसको आपने छोड़ दिया वो कैसे तैरे। बड़े प्यारे प्रसंग दादी माँ सुनाया करती थी। एक और ऐसा ही छोटा सा प्रसंग, कार्य हो रहा है सेतु बंध का, छोटी सी गिलहरी थी एक, स्क्विरल किसको ली बेटा, छोटी सी गिलहरी, देखा उसने कि बहुत बड़ा काम हो रहा है भगवान का, मुझे भी अपना कुछ योगदान इसमें करना है, कैसे कर सकूं मैं तो कितनी छोटी हूं, मैं कुछ कर भी नहीं पाती, क्या ताकत है मेरी। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जिसको कुछ करना हो ना उसको मार्ग भी मिल जाता है, कुछ न करना हो तो हजार बहाने भी मिल जाते हैं, और अगर कुछ करना हो तो चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो कहीं ना कहीं से प्रभु कोई ना कोई संयोग निर्माण कर देते हैं सेवा में लग जाने के। गिलहरी ने सोचा कि ये बड़े बड़े पत्थर सेतुबंध के काम में जो आ रहे हैं लग रहे हैं, अब एक पत्थर आया दूसरा पत्थर, तो दो पत्थरों के बीच में जगह बच जाती थी, खड्डा रह जाता था ऐसे, एक सपाट तो पत्थर होते नहीं थे, आकार अलग अलग, तो पत्थरों के बीच में जगह। गिलहरी ने सोचा कि इसके ऊपर से अगर प्रभु जाएंगे, उबड़ खाबड़ है, प्रभु के चरणों को परिश्रम होगा, मैं चाहती हूं प्रभु को सुख दूं। युक्ति की उसने, समंदर के पानी में गई, डुबकी लगाई, एक भीग गई, उसके रोंचे रोंचे वाला शरीर, किनारे पर आई, सूखी रेत में अपने आप को लोटपोट ऐसे किया तो समंदर की रेत उसके ऊपर चिपक गई किनारे की, दौड़ी सेतु बन जा हो रहा था, दो पत्थरों के बीच में जगह थी, वहां जाकर के एकदम यूं किया उसने, रेत पूरी गिरी, वापस दौड़ी समंदर में, डुबकी लगाई, रेत को ली, दो पत्थरों के बीच में, कि ये कर रही है, दो पत्थरों के बीच की जगह भरती जाती है, जो उबड़ खाबड़ मार्ग है वो सरल हो जा रहा है। कितनी मेहनत पड़ती होगी जरा सोचो,
वानरों ने तो दो पत्थर ऐसे रख दिए, खड्डा हो गया। एक खड्डा भरने में शायद 50 चक्कर लगे गिलहरी को। तो सुबह से शाम रात 24 घंटे बस भाग रही, बचाना भी है अपने आप को, इतने बड़े बड़े वानर के पैरों के नीचे ना आ जाए वो, पता भी ना चले किसी, भाग रही। भगवान की दृष्टि पड़ी, याद रखना, चींटी के पैरों में पायल बजे वो भी मेरा साहब सुनता है। ये संसार में छोटी से छोटी भी जो घटना हो रही है ना, उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि है। कल ही किसी से बड़ी सुंदर बात हो रही थी कि ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर प्रभु का ध्यान भी है और कंट्रोल भी है। केवल ध्यान है ऐसा नहीं, ही इज इन कंट्रोल, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो ये छोटी सी गिलहरी, प्रभु की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर, भगवान ने उससे बुलाया, अरे गिलहरी यहां आई, क्या कर रही हो तुम, कुचल जाओगी किसी के पैरों के नीचे। प्रभु इतना बड़ा आपका कार्य हो रहा है, इच्छा हुई मैं भी कुछ योगदान करना चाहती हूँ उसमें, बहुत छोटी हूँ और तो कुछ नहीं कर सकती, ना पत्थर उठा सकती हूँ ना पेड़ उठा सकती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि उबड़ खाबड़ रास्ते को अभी समान कर दूँ, सतल कर दूँ, समतल कर दूँ तो आपको परिश्रम न पड़े। प्रभु को इतना वात्सल्य उभराया उसके प्रति, गिलहरी को हाथ में उठा लिया, इतनी दौड़ धूप करती हो बहुत थक गई होगी तुम, प्रभु ने उस गिलहरी की पीठ पर से हाथ फिराया। तो आज भी देखना आप, गिलहरी की पीठ पर प्रभु की दो उंगलियों के निशान हैं, भगवान ने उसके ऊपर, और वो भारत में ही है। गिलहरियां तो दुनिया भर में होती, लेकिन ये उंगलियों के निशान बाकी कहीं नहीं पाए जाएंगे। 18-19 वर्ष पहले की बात है, अमेरिका में था मैं और सुबह सुबह सैर करने निकला था मॉर्निंग वॉक के लिए। मेरे साथ में 3-4 लोग वहां के थे आयोजक, तो जिस परिवार में मैं था वो लोग थे और बाकी 2-3 लोग भी आए थे। चल रहे थे हम लोग, बहुत बड़ा गार्डन वॉकिंग ट्रैक, मैंने एक प्राणी को देखा वहां पर, मैंने पूछा ये क्या है, साथ में थे उन्होंने कहा गुरुजी स्क्विरल, गिलहरी है। उनका इतनी बड़ी, अपनी बिल्ली जितनी बड़ी गिलहरी। बाद में मुझे पता चला कि अमेरिका में जो भी होता है सब किंग साइज ही होता है, कुछ छोटा होता ही नहीं। इतनी बड़ी गिलहरी, कहते हाँ कमाल है। मैंने कहा लेकिन इसके ऊपर वो निशान तो है नहीं, शायद कोई अलग प्राणी होगा। कहा नहीं गुरु जी हमें पता है ये स्क्विरल ही है, यहाँ की ऐसी होती है। मेरे मन में विचार आया अच्छा अच्छा ये अमेरिका की गिलहरी है ना, तगड़ी है बड़ी है, लेकिन राम के काम में नहीं आई इसलिए उसके ऊपर राम की उंगलियों के निशान नहीं है। हमारे भारत की गिलहरी भले छोटी हो लेकिन राम के काम में आई तो उसके ऊपर राम की उंगलियों के निशान है। ईश्वर के काम में आ जाओ, किसी भी रूप से सेवा में जुड़ो आप, सत्कर्म हो रहा हो, भगवान का कार्य हो रहा हो, समाज में प्रभावी विचार दिए जा रहे हो, क्रांति हो रही हो एक वैचारिक रूप से आध्यात्मिक रूप से, जितनी आपकी शक्ति, ये मत सोचना कि अरे ये तो बड़े बड़े लोग करते हैं हम तो क्या, बस जाके ताली बजाएंगे बैठेंगे वहां पर, जिस रूप में जुड़ सको जुड़ जाओ बस।
गोवर्धन तो भगवान श्री कृष्ण उठाते ही हैं, अपनी लाठी लेकर के बस वहां खड़े भी रह जाए ना साथ में कन्हैया के, वो भी बहुत बड़ा सद्भाग्य होता है। गोवर्धन उठाने की शक्ति सभी की न हो मान्य है, लाठी तो रख सकते हैं, जुड़ तो सकते हैं साथ में, जितना समय जितनी शक्ति। सेवा की व्याख्या ही यही है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक शक्ति दी हुई है, सभी को। सेवा का अर्थ ही यही होता है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को कोई न कोई विलक्षण शक्ति दे रखी है, प्रत्येक मनुष्य को। सबसे पहले तो अपनी उस विलक्षण शक्ति को पहचाने। कोई एक काम ऐसा है जो आप ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपनी उस विलक्षण। भगवद गीता में इसी को स्वधर्म कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब स्वधर्म की बात कर रहे हैं गीता में उस समय, आज हम जो धर्म लेबल वाले इंस्टीट्यूशन वाले समझते हैं वो धर्म नहीं थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं थे उस समय, 5000 वर्ष पहले की बात है, कोई और था ही नहीं, केवल सनातन धर्म था। तो ईश्वर कौन से स्वधर्म की बात करते हैं? अपना बिल्ट इन प्रोग्राम। जो व्यक्ति इसको समझ पाए कि मेरी एफिशिएंसी क्या है, कोई एक बात ऐसी है जो आप ही अच्छी तरह से कर सकते हो, अपनी उस शक्ति को पहचानो। नो योर पोटेंशियल, वो स्वधर्म है। टीके लगाना, मंदिरों में दौड़ना, राम 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 कहते 24 घंटे बैठे रहना, वो स्वधर्म मैं विरोध नहीं करूंगा, अच्छे लोग हैं वो लोग, लेकिन केवल उसी को धर्म मत समझ लेना। स्वधर्म की पहली सीढ़ी है अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एक्सपर्टीज को पहचानो, नो योर पोटेंशियल। दूसरी स्थिति है उसको विकसित करो, वही आपके जीवन विकास का मार्ग बनेगा। जो भी इस विश्व में एक्सेप्शनली सक्सेसफुल हुए हैं उनके जीवनों को देखो आप, एक बात कॉमन दिखाई पड़ेगी, उन्होंने अपने स्वधर्म को पहचाना और उस शक्ति को जागृत किया। न पैसे के पीछे पड़ो, न कीर्ति के पीछे, ये तो सब बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आते रहेंगे। शास्त्रों में जो कहा है ना कि संपत्ति कीर्ति पद प्रतिष्ठा के पीछे मत पड़ो, ये कोई वैराग्य की भाव नहीं है, ये कोई ऐसा मत समझना कि इसे ना कहते हैं संपत्ति के पीछे मत पड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि संपत्ति मत कमाओ, हम सही अर्थ में समझे ही नहीं उसको। संपत्ति के पीछे पड़ने से संपत्ति नहीं मिलती, जो मिलती है वो बहुत मर्यादित मिलती है। कीर्ति के पीछे पड़ने से जो कीर्ति मिलती है वो बहुत मर्यादित होती है। सत्ता के पीछे लग जाओगे और जो सत्ता मिलती है वो बहुत मर्यादित होती है। जिनको पॉलिटिक्स का शौक होगा, देखो कितने लोग अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, बस एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, कोई नहीं बनाता। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पॉलिटिक्स देखा है ना हमने, बरसों से लगे हुए हैं, बस प्रधानमंत्री बन जाए, कोई नहीं बनाता। और अचानक किसी ऐसे व्यक्ति को लाके रख देते हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नाम देखकर बताऊं, 8-9 साल पहले जब कांग्रेस पहली बार पावर में आई बीजेपी के बाद में, किसने सोचा था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे? उनको खुद को पता नहीं था कि मैं बनूंगा, वो तो एकेडमिक आदमी इकोनॉमिक्स का। कितने अलग अलग नाम थे और बरसों से जो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं ऐसे लोग थे।
इतनी पार्टियां बदल बदल के, अरे कुछ भी करें, बनना है एक बार तो प्राइम मिनिस्टर। कहां सड़े वो, कितनी सौदेबाजी की, ये सब किया, नहीं बना। और ये एक आदमी को लाके उठा के रख दिया। क्यों बना वो? अपनी भीतरी कुछ शक्ति के ऊपर। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं तो एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जीवन में पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति हमेशा बाय प्रोडक्ट होते हैं। मनमोहन सिंह का पूरा जीवन देखो, उसने अपने स्वप्न जो बनाए थे जीवन में, उसमें कहीं पर नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। नेवर इन हिज लाइफ ही थॉट अबाउट इट। उसका स्वप्न इतना था कि मैं भारत की अर्थतंत्र व्यवस्था को सुधारूंगा। जितना मेरे पास ज्ञान है, जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरी समझ है, मेरे कहने का आशय, प्यारे भाई और बहनों, स्वधर्म क्या होता है? अपनी शक्ति को पहचानो, उस शक्ति का विकास करो, कोई भी क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, बिजनेस के फील्ड में हो, अपनी शक्ति को पहचानो और उसे बढ़ाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिली, एक पत्रकार प्रश्न पूछता है टैगोर से, ठाकुर पर, टैगोर तो ब्रिटिशों ने बनाया, सरनेम थी ठाकुर, और जमींदार रहे वो बंगाल में, परिवार पूरा जॉइंट फैमिली, आपने भी देखा है राजस्थान में ऐसे परिवार होते हैं, 8-10 भाई हो, उनके बच्चे, एक परिवार एक किचन पे साथ में बैठे तो 125-150 आदमी का परिवार हो जाए, ऐसा बड़ा परिवार। और उस समय वो ब्रिटिश परंपरा से जुड़े हुए थे, जमींदार थे, संपत्ति थी, ब्रिटिश लोगों से संबंध था, पढ़ाई का बहुत महत्व था उनके परिवार में। आज से 150-200 वर्ष पहले उस परिवार में बर्थडे मनाई जाती थी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से। हर एक बच्चे की एक एक डायरी रखी थी घर में, जितने छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले रहते हैं उसके। और बच्चे का जब जन्मदिन आए तो परिवार के सारे बड़े बुजुर्ग उस डायरी में लिखते थे कुछ, कि वो ये बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। रविंद्र, रवि नाम था बचपन में, तो रवि कहते थे लोग। रवि के जितने सारे कजिन्स थे पढ़ने में बड़े होशियार, कोई पहला नंबर लाता, कोई स्पोर्ट्स में मेडल लाता, कोई कुछ ले आता, कोई ट्रॉफी जीत के आता। और उनके सारे जन्मदिन जब आते, बड़े बुजुर्ग लिखते, अरे वाह, ये तो परिवार का नाम रोशन करेगा, ये तो ट्रॉफी जीत के आया, ये पहला नंबर लाया, ये इंग्लिश में इतने मार्क्स लिया, ये तो अंग्रेजी में बात करने लगा है, अभी ऐसा करता है, वैसा करता है, बहुत अच्छा। रवि के बारे में कोई कुछ नहीं लिखता, नेगेटिव कमेंट्स आती, क्योंकि रविंद्रनाथ छोटे थे तब से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। घर से निकलते स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाते ही नहीं कभी, बगीचे में जाकर बैठ जाते, झरनों में अपने पैर को बुड़ो के बैठ जाते, कविता लिखते, जो आती जैसी आती उस समय कविता लिखते, चित्र बनाते, बटरफ्लाई के पीछे, पतंगे के पीछे दौड़ते रहते, ऑब्जर्व करते उसको, ये कैसे रंग भरे हैं। स्वाभाविक है स्कूल से कंप्लेन आती, रवि आता नहीं है स्कूल में, घर से तो कहते निकलता है, स्कूल में पहुंचता नहीं, नहीं कहाँ जाता है। बड़े जमींदार थे, नौकर जाकर थे, तो एक नौकर को रख दिया पीछे कि तू केवल बता देना रवि कहाँ जाता है, नौकर घर पे जाके रिपोर्ट देता है, वो घर से निकलता है, बगीचे में बैठता है, पेड़ के नीचे बस गाते रहता है, झील में पैर अपने डुबो के बैठे रहता है, मछलियों को देखता है छोटी छोटी। परिवार वाले कहते, अरे ये तो बिगड़ गया, इसको तो कुछ नहीं है, अकल ही नहीं है, पढ़ता नहीं है। डायरी में लिखा हुआ था रवि की डायरी में, सब बड़े लोग, ये तो परिवार का नाम डुबोएगा, पढ़ता ही नहीं है, ये करता है, स्कूल में नहीं जाता है।
आज पूरा ठाकुर परिवार अगर जाना जाता है तो रविंद्रनाथ की वजह से। कहाँ गए वो ट्रॉफी जीतने वाले, कहाँ गए वो बड़े बड़े इनाम लाने वाले, कहाँ गए वो, कोई नहीं पहचानता। नोबेल प्राइज मिला, द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फॉर इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके बचपन में तो ये कहा जाता था आपके बारे में, आपके बड़े बुजुर्गों ने, सब चाचाओं ने यही कहा, आप इतने महान कैसे हुए? रविंद्रनाथ ने एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में उत्तर दिया, मैं बहुत बचपन से मेरे जीवन की दिशा को समझ गया था कि मुझे क्या बनना है जीवन में, और उसी दिशा में मैं चलता रहा। विरोध किया लोगों ने, मैंने नहीं सुनी वो बात, मैं उसी दिशा में चलता रहा। भगवद गीता की परिभाषा में कहा जाए तो रविंद्रनाथ बचपन से अपने स्वधर्म को समझ गए थे। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को समझता है, उस शक्तियों को जो जागृत करता है, वो जीवन में हमेशा सफल होता है। ये सिद्धांत हमारे शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ सिद्धांत है। कोई पागल हमें बताएंगे नहीं ये सिद्धांत कि क्या करना है जीवन में। अब जिन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी उनको लगेगा अरे वाह ये तीन पागल आए हैं बता रहे हैं, देखो ये करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने शास्त्र पढ़ो, उससे जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाएगी क्या करना है। यहां पर एक छोटी सी गिलहरी, सेवा का अर्थ यही है भाई। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू कैन ऑलवेज फाइंड द वे आउट, एंड वेन यू कीप डूइंग इट सक्सेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। जो संपत्ति के पीछे भागते हैं संपत्ति कभी उनके हाथ नहीं आती, जो अपने मार्ग पर चलते हैं संपत्ति उनके पीछे दौड़ती है। मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। जितने भी बड़े लोग हैं, आज किसी सफल क्रिकेटर से पूछा जाएगी तुम क्यों खेलते हो, वो कहेगा एक फोन मारूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे। नहीं, इट इज माय पैशन, ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और मैं जब अंग्रेजी में प्रवचन करता हूं, स्वधर्म की बात करता हूं, तो मैं यही कहता हूं, नो योर पेशेंस, नो योर पैशन, पेशेंस नहीं पैशन, तुम्हारी पैशन को पहचानो, वही जब करोगे। और दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम्हारी हॉबी अगर तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए, तुम्हारी पैशन अगर तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए, तो उस क्षेत्र में जो सफलता तुम्हें मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। ये संसार में जितने भी विलक्षण लोग हुए हैं उन्होंने अपनी पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। कोई अच्छा क्रिकेटर हो, कोई अच्छा फुटबॉलर हो, कोई अच्छा कवि हो, कोई अच्छा चित्रकार हो, कोई अच्छा एक्टर हो, क्यों बना वो? उसने अपनी पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। बिजनेसमैन भी, कोई गलत नहीं है बिजनेस करना, बिजनेस भी पैशन होना चाहिए। ली आया कोका ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन कैसे बने, उसने कहा आई ईट बिजनेस, आई ड्रिंक बिजनेस, आई टॉक बिजनेस, आई वॉक बिजनेस, आई स्लीप बिजनेस। पैशन है। संसार में अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते, एवरेज रह जाते हैं, सामान्य रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी पैशन को ही पहचान नहीं पाते, वे दूसरों के रंग में रंगे जाते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, अरे सामने वाला सेलफोन का नया मॉडल लेके आया, मेरे पास तो कितना पुराना है,
काश ये सेलफोन का मॉडल मुझे, ये जिंदगी की पैशन नहीं हो सकती भाई। वो ऐसा शर्ट ले आया, ये ऐसी गाड़ी ले आया, ये ऐसी शूज ले आई, दैट कैन नॉट बी द पैशन ऑफ योर लाइफ। पैशन को पहचानो, ये स्वधर्म है। और सेवा वही तुम्हारी पैशन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एफिशिएंसी ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए, वो तुम्हारी सेवा बन जाती है। संसार के लिए तुम्हारी पैशन का इस्तेमाल करोगे, वो तुम्हें सफलता देगी, सक्सेस देगी। और ईश्वर के लिए जब इसका इस्तेमाल करोगे, प्रभु के लिए इस्तेमाल करोगे, निष्काम भाव से करोगे, वह तुम्हें संतोष देगा। वह भी तुम्हें सोचना है, क्योंकि सफलता का भी एक नशा होता है, और सफलता हमेशा तुम्हें एक डिलेमा में रखती है। इसलिए देखो, बहुत बड़े सफल लोग हैं ना, वो संतुष्ट नहीं है, उनकी भी अशांति होती। दो चार गेम में अगर रन नहीं बनाए तो टेंशन हो जाता है उसको, स्ट्रेस आ जाता है, आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू बी इन फॉर्म। साल दो साल में एक हिट फिल्म नहीं दी तो टेंशन आ जाता है कलाकार को, जो सफल कलाकार है उसको, आई हैव टू पर, एक स्ट्रेस है वहां पर। पैशन है, वो अपने शौक का काम कर रहा है, लेकिन सफलता के बाद वो स्ट्रेस आ ही जाता है। वही सफल, वो तुम्हारी जो एफिशिएंसी है, उसको निष्काम भाव से भगवान के काम में लगाओगे, वो तुम्हें संतोष देगा। कुछ हद तक ये स्ट्रेस चाहिए सफल होने के लिए, लेकिन साथ में अगर संतोष का मरहम लगता रहेगा तो तुम बड़ी शांति से प्रगति के मार्ग पर चलते रहोगे। इसलिए दोनों का समन्वय चाहिए। तुम काम करो अपना, साथ में प्रभु के भी उस रास्ते पर आओ, बैलेंसिंग होता रहेगा। आज क्या हुआ है, जो लोग सफलता के पीछे पड़े हैं उन्होंने सेवा को छोड़ दिया। अरे नहीं, वो तो आफ्टर रिटायरमेंट देखेंगे, अभी क्या है, जरा चलो अभी तो भागना है। नहीं भाग पाओगे, थक जाओगे। सेवा का काम नहीं करना है, केवल सफल होना है, भागते रहेंगे। वो तो ऐसी बात है कि गाड़ी लेकर बंबई से निकले हैं, दिल्ली पहुंचना है और पेट्रोल खत्म होने आया है टैंक में। अरे रहने दो ना, दिल्ली पहुंचना है, बिना पेट्रोल गाड़ी चलेगी कैसे, रुक जाओगे तो टूट पड़ोगे, अच्छा समय और बर्बाद होगा। इससे तो बेहतर है कि मौका आया है, पेट्रोल पंप टैंक फुल करा लो। तुम सफलता की ओर भाग रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मौका आया है, वर्ष में 9 दिन टैंक भरा लो, बैटरी रिचार्ज कर लो, ताकि और 11 महीने भाग। जब ये सेवा का मौका आता है, अच्छा काम, आप कहते हो नहीं नहीं अभी तो सफल होना है, सफल होना है, टैंक नहीं भर रही तुम्हारी, थक जाओगे। इसलिए देखना, सफलता के पीछे पड़े हुए लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, क्योंकि शांति का उन्होंने प्रयोग किया ही नहीं। 45-47 की उम्र में हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज, स्ट्रेस आउट हो गए, खत्म हो गए। अपनी शक्ति को निष्काम भाव से परमात्मा के कार्य में लगाना, वही सेवा है, और वही सेवा तुम्हें संतोष दे सकती, शांति दे सकती, लाइफ की एनर्जी दे सकती। सेतु बंद हुआ, भगवान जब सेतु पार करने के लिए आके बैठे, खड़े रहे, सारी वानर सेना भी आई हुई है। जैसे प्रभु सेतु के पास आए, समुद्र में जितने जलचर प्राणी थे वे एक साथ में ऊपर आके प्रभु का दर्शन करने लगे। और स्वयं भगवान के जब दर्शन किए तो इतने एकाग्र हो गए, ध्यान लग गया उनको। प्रभु
हमारी भी सेवा स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी ने सेना को कहा, सेतु के ऊपर से तो बहुत कम लोग जा पाएंगे, यहां से चले जाओ, सब एक साथ में निकल जाओगे। करोड़ों करोड़ों जलचर प्राणी जो आके खड़े रहे, उनके मस्तक के ऊपर सर पैर रख के वानर सेना चली गई। वहां पहुंचकर किसी ने पूछा, प्रभु अगर ये आप जानते ही थे कि आप जब किनारे पर आके खड़े रहोगे तो ये जलचर आपके दर्शन के लिए आएंगे और पार, तो ये सेतु बंधवाने की मजदूरी क्यों कराई हमारे पास? कोई आवश्यकता नहीं थी, बस आप आकर खड़े रह जाते समंदर के किनारे, सारे जलचर प्राणी आते उनके ऊपर से हम चले जाते, ये सेतु बंधवाया क्यों? अगर आप इतनी ही कृपा करने वाले ही थे। भगवान ने कहा, यही मेरा रहस्य, मैं तुम्हारा पुरुषार्थ पहले देखता हूं, कृपा बाद में करता हूं। संसार में जो भी होता है मेरी कृपा की वजह से ही होता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कृपा की प्रतीक्षा करते बिना कुछ किए बैठे रहो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और तुम्हारा कर्म है उसी वजह से कृपा बरसती है। वानर सेना पार उतरी, राक्षस लोग उनका विरोध करने आए, ये सब वानर भालू, पकड़ते उनको और मारते, नाक कान काट लेते और वही अपना पूछते, जिंदा रहना है? हाँ, सीताराम बोलो, सीताराम बुलवाते। किसी एक वानर ने जाकर के महल में समाचार दिए, मंदोदरी ने सुना कि सेना पार उतरी है, समंदर को बांधा है उन्होंने, अपने पति रावण का हाथ पकड़ के वो अंतःपुर में ले गई। कहने लगी, मेरे पल्लू को बिछा के मैं तुमसे विनती करती हूं, रुक जाओ, अब सीता सौंप दो राम जी को, तुम स्वयं उनकी शरण में चले जाओ। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन कर ही जैसा। एक पति जब अपने पत्नी से ये कह रही है, एक पत्नी जब अपने पति से कह रही है कि आप में और रामचंद्र में अंतर कितना है, जैसे कोई जुगनू और सूर्य में हो। सूर्य का प्रकाश कितना, अब जुगनुओं से तुलना कर सकते हो, 2000 जुगनू, 50,000 जुगनू, एक सूर्य बनेगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। दुश्मनी करें तो भी किसके साथ करें, जिसको शक्ति से, मन से, बुद्धि से आप पहुंच सको। स्वयं काल और कर्म और जीव जिसके हाथ में है उनके साथ बैर नहीं बांधना चाहिए नाथ। राज्य पुत्रों को सौंप दो, सीता श्री रामचंद्र जी के शरण में सौंप दो और तुम भी उनकी शरण में चले जाओ। जंगल में जाकर अब जितना आयुष्य बचा है भक्ति करो भगवान की, ये संत नीति बताते हैं। नहीं मानी बात रावण ने। अंत में मंदोदरी कहती है, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल हो ही अहिवात, मेरा सौभाग्य अखंड रहे इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि राम जी की भक्ति करो। नहीं माना रावण, कहने लगा, अरे मेरे साथ युद्ध कर सके ऐसा कौन महारथी है, कोई नहीं संसार में। जाकर के सभा में बैठा, समाचार आ गए थे कि श्री रामचंद्र जी की सेना समंदर पार करके आ गई है, लंका में उतर पड़ी है।
सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। रावण का एक पुत्र था प्रहस्त, सभा में खड़ा हुआ हाथ जोड़ के कहने लगा, पिताजी, क्योंकि मंत्रियों ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, ये वानर और रीछ तो भालू जो है ना वो तो हमारे आहार है, खा जाएंगे हम उनको कच्चे के कच्चे। तब प्रहस्त ने खड़े होकर कहा, पिताजी मेरी बात को ठीक से सुनकर समझने का प्रयास करना। कहा ही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आव एही भांति। ये जो आपके मंत्री है ना, हाँ जी हाँ कर रहे हैं पिताजी, खुशामद वाले हैं ये लोग, उनकी बातों में मत आ जाना। क्या कह रहे हैं ये लोग, इतने सारे भालू और वानर आए हैं, वो कहते हैं हमारा आहार है। याद है वो एक आया था वानर, और वो क्या करके गया है अभी तक लंका के लोग भूले नहीं हैं। क्यों, इस समय इनमें से किसी को भूख नहीं लगी थी? वो एक आकर के इतना विनाश करके गया, ऐसे करोड़ों आए हैं। अंडर एस्टिमेट मत करना पिताजी। और प्रहस्त बड़ा स्पष्ट है, कहता है कि पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, आपके साथ रहूंगा, लेकिन नीति यह कहती है कि अब राष्ट्र को बचाने की बात आ गई है, नगर को, ये क्या विनाश के मार्ग पे जा रहे, इसमें बचने की कोई संभावना ही नहीं है, अभी भी मौका है। उनकी पत्नी को जो आप ले आए हो दे दो उनको, अगर वो अपनी पत्नी को लेकर के वापस चले जाते हैं तो लंका का साम्राज्य बच जाएगा, लोगों के प्राण बच जाएंगे, और अगर वो नहीं जाते अपनी पत्नी को लेकर, पिताजी मैं आपके पक्ष में लड़ूंगा, वादा करता हूं। लेकिन नीति की बात यह है कि अगर वो अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं तो दे दो, ये युद्ध में अपना कल्याण नहीं है पिताजी। रावण को इतना क्रोश आया है, प्रहस्त ने कहा स्पष्ट, पिताजी बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। अधिकतर लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको प्रिय वचन सुनना ही अच्छा लगता है, इसलिए सामने वाले लोग भी अच्छा ही बोलते हैं, प्रिय मधुर ही बोलते हैं, हाँ जी हाँ में हाँ ही मिलाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है उनको यही अच्छा लगता है। कल्याण की बात कहनी हो, परम कल्याण की बात कहनी हो, वो कठोर हो सुनने में, कटु भी हो, वो कहने वाले कम है और सुनने वाले तो उससे भी कम है। हमारे गुजराती में कहावत है, कड़वी दवा तो माज पीड़ा, हाँ जी हाँ तो सब लोग करें, वाला सऊ छे सऊने वातो करी ने मीठी, वाला थवू छे सऊने वातो करी ने मीठी, कड़वू छताएं साचू कहनार क्या मरे छे। कोई सच बात हो कड़ू स्पष्ट कह दे कि भाई ये तुम गलत करो, इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है आगे जाके। स्पष्ट कहने वाले लोग बहुत कम होते हैं, सबको मीठी मीठी बातें करनी, हम क्यों बुरे बने, हम क्यों बुरे बने। अरे जब दिखाई पड़ता हो कि क्या है, प्रहस्त ने कह दिया पिताजी। रावण ने क्रोध करके कहता है कि अरे ऐसी बुद्धि तुझे किसने दी, वो अपमान किया। प्रहस्त हाथ जोड़कर सभा छोड़ के निकल गया, इतना कह दिया उसने कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाए तो अच्छे से अच्छे वैद्य की दवा का असर नहीं होता, पिताजी आपकी भी अब यही स्थिति हुई है। अब कोई दवा का असर नहीं होगा, कोई सूचन का असर नहीं होगा। तो रावण जाके
किसी महल के ऊंचे शिखर पर बैठा है, उस महल की टेरेस में बैठा है जाकर के अखाड़ा देखने के लिए, नाचगान देखने के लिए। और भगवान श्री राम सुवैल पर्वत के ऊंचे शिखर पर बैठे, सेवकों ने आकर मृगचर्म बिछाया, प्रभु उसके ऊपर विराजमान हुए। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो, रावण इस समय भी नाचगान देखना चाहता और भगवान मृगचर्म पर बैठे जामवान जी, अंगद, नल, नील, विभीषण, सुग्रीव सब साथ में, हनुमान जी देखा तो उस दिशा में जैसे बादल छा गए, चमक ऐसी आने लगी जैसे बिजलियां चमक रही हो। रामचंद्र जी ने पूछा कि वातावरण तो है नहीं बारिश जैसा, तो अचानक वहां पर बादल छा गए, बिजलियां चमक रही है, क्या हो रहा है? विभीषण ने कहा, प्रभु शाम का समय है ना, रावण अखाड़े में नाचगान देखने के लिए आया है, और रावण इतना शक्तिमान है कि सारी प्रकृति के परिबलों को उसने जीत लिया है। अस्त होता हुआ सूर्य है लेकिन फिर भी उसकी किरणें आती हैं, रावण को समस्या न हो, तकलीफ परिश्रम न पड़े, इसलिए बादल आ गए हैं छत्र बनकर। तो बादल रावण का छत्र बनने का काम करते हैं, और ये जो चमक रहा है वो बादल की बिजली नहीं चमक रही, रावण के पास में मंदोदरी बैठी है, मंदोदरी ने कान में जो कुंडल पहने हैं उसमें जो रत्न है, संगीत सुनते सुनते मंदोदरी की मुंह ऐसे हिलता है उसका चेहरा, और उसमें जो कुंडल हिलते हैं वो रत्नों की चमक ऐसी है, लगता है मानो बिजली चमक रही। श्री रामचंद्र जी ने एक शर संधान किया, बाण लगाया, चलाया तीर, वो एक तीर रावण के मस्तक के मुगट और मंदोदरी के कुंडल लेकर के नीचे गिरा, मस्तक पर से मुगट गिर गया। सभा में बैठे हों सब लोग और राजा का मुकुट गिर जाए, वो अपशगुन माना जा, अपशगुन माना जाता है। सब लोग एकदम डर गए, एक तो हनुमान जी पर ऐसी फर्स्ट इंप्रेशन इतनी रख के गए हैं, तब से ही लंका के सब लोग डरे हुए थे, ऊपर से ऐसी घटनाएं होने लगी। रावण ने देखा डरे हुए हैं, ये आदमी है बड़ा बुद्धिमान, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना है, कहा अरे हम तो योद्धा हैं, रण मैदान के अंदर हमारे मस्तक भी कट के गिरे तो हम कभी चिंता नहीं करते, मुकुट की तो बात ही क्या है। परिस्थिति को संभाल लिया, लेकिन लंका के लोग डरे हुए अवश्य हैं, मंदोदरी भी शोकग्रस्त हो गई। रात के समय उसने फिर से रावण को समझाया है, रावण माना नहीं, सभा में गया दूसरी सुबह, यहां पर युद्ध की अब तैयारी। रावण अपनी ओर से तैयारी करता है, भगवान राम ने एक मीटिंग ले ली है सभी के साथ और सोचा एक और मौका दिया जाए रावण को, युद्ध तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, एक और मौका दिया जाए। अंगद को विष्टिकार के रूप में भेजा है संधि करने के लिए, दूत के रूप में, और अंगद से जाकर प्रभु ने इतना ही कहा कि अंगद तुम जानते हो क्या करना है, अभी भी अगर रावण सीता को लौटा रहा है तो हमें युद्ध नहीं करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी को युद्ध में रस नहीं, हमें उसको मारना, हमें राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल सीता चाहिए, जाकर समझाओ उसे अंगद। और एक सूत्र जो कहा है रामचंद्र जी ने अपने हृदय में सुवर्ण अक्षरों से लिख कर रखना, मेरे जीवन के जो सिद्धांत हैं उनमें से एक ये है जिसके ऊपर मैं जिया हूं अभी तक, भगवान राम के शब्द, काज हमार ता सोहित हो ही, रिपु सन करे हु बतक ही सोई। अंगद इतना करना, दुश्मन के साथ तुम बात करने जा रहे हो, इतना करना
काज हमार तासु हित हो ही, हमारा काम हो और उसका कल्याण हो, उसका भी भला हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में अगर इस सिद्धांत से चलोगे सफलता तो मिलेगी, लेकिन बड़ी स्ट्रांग नींव पे होगी वो सफलता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चाहे कैसे भी संजोग निर्माण हो जाए जीवन में, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन आपके हृदय में गिल्ट कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आएगा। दोष गंड आपके दिल में नहीं आएगा। काज हमार तासु हित हो, हमारा काम हो और उनका कल्याण। संसार है भाई, सभी को अपना अपना स्वार्थ होता है, उसमें कोई संशय नहीं। और अपने लिए कुछ करना उसमें कोई बुराई भी नहीं, कोई गलती भी नहीं। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप अच्छा कर, उसमें कोई गलती नहीं कर रहे आप, तुम्हारा काम होना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपना काम जब करो उस समय तासु हित हो ही, सामने वाले का भी भला होना चाहिए। मैनेजमेंट की परिभाषा में जिसको कहते हैं टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, अपना भी काम हो उनका भी भला हो। और ये जब हम करें, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कम समय के लिए सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, अचानक उनके मल्टीप्लिकेशन होते रहता है, एक के चार, चार के सोलह हो जाते हैं, लगता है अरे वन बेडरूम हॉल किचन में रहते थे, उसमें 3 साल के अंदर तो 4 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, और वो भी पेंट हाउस। इतनी प्रगति इतने कम समय में, वाह। और पता भी है कि गलत काम करते हैं, ये ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अगर वो विन विन सिचुएशन खड़ी करके नहीं बनाया होगा, दूसरे को केवल लूट के उसका नुकसान। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि अपना 5 पैसे का फायदा उसने, दूसरे का 1,00,000 रुपए का नुकसान कर देते, ऐसे लोग होते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि हाउ कैन अ पर्सन थिंक लाइक दिस, छोटे से फायदे के लिए दूसरे का बड़ा नुकसान। याद रखना, ऐसे लोग अधिक समय तक रेस में रह नहीं सकते। व्यवसाय में एक बात बड़ी आवश्यक होती है, अब जिसके लिए भी काम कर रहे हो उसके मन में आपके प्रति विश्वास निर्माण होना चाहिए, श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि ये आदमी मुझे छलेगा नहीं, ये आदमी कभी मेरा बुरा नहीं करेगा। ये विश्वास अगर आप अपने क्लाइंट्स को दे सको, जिसके भी संबंध में आप आते हो उनको दे सको, बहुत बड़ा काम होगा। और जितने लोगों का ये विश्वास संपादन आप करते गए, सफलता की नींव इसी के ऊपर बनती है। आपके पास संपत्ति आ जाए, आपके पास सत्ता आ जाए, आपके पास कीर्ति प्रसिद्धि आ जाए, लेकिन किसी को आपके ऊपर भरोसा न हो, ये सफलता 2 कौड़ी की। भले कोई ऐसा हो छोटे घर में रहना पड़े, रोटी और सब्जी या रोटी और मिर्ची खाना पड़े, लेकिन घर से बाहर निकलो और लोग आदर की दृष्टि से आपको देखें, भरोसा कर सकें कि यह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी दूसरे का बुरा नहीं करेगा। मुझे लगता है यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। काज हमार तासु हित हो, और परिणाम मिलते हैं। सत्य घटना, पिछले अगस्त में लंदन में हनुमान चालीसा के ऊपर प्रवचन थे इंग्लिश में, और विशेष करके युवा पीढ़ी आई थी, यंगस्टर्स अंग्रेजी में थे, तो
जब युवाओं के साथ में बात करता हूँ, पढ़े लिखे सब बुद्धिमान लोग, आज की नई युवा पीढ़ी इतनी स्मार्ट होती है, तो हनुमान चालीसा पूरी जीवन के सिद्धांतों पर, द साइंस ऑफ लाइफ, मैनेजमेंट के सिद्धांत कैसे हैं, उसमें कोई बात चली, इसमें मैंने ये चौपाई कही, काज हमार तासु हित होगी। मैंने कहा बिजनेस करो भी ऐसे करो, प्रॉफिट अवश्य रखना है अपना, लेकिन सामने वाले का भी भला होना चाहिए। हफ्ते भर के बाद किसी के घर में पधराम नहीं थी हमारे, रजनी भाई ठकरार नाम उनका, बहुत भव्य बंगला, अच्छा कारोबार, प्रभु की बहुत कृपा, उनका बेटा। मुझे कहने लगा गुरु जी, वट एवर यू सेड इन हनुमान चालीसा रियली वर्क्स, आपने जो कहा वो परिणाम मिलता है। अच्छा बेटा, अनुभव हुआ तुम्हें कुछ? कहता हाँ। ये चौपाई उसने बताई कि आपने जो कहा था काजु हमार तासु हित होई, गुरुजी दूसरे ही दिन सुबह मैंने ऑफिस में, उनका फ्रूट्स का कारोबार है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, बहुत बड़ा, कंस्ट्रक्शन का भी है, प्रॉपर्टी का भी, बहुत बड़ा काम है, लेकिन मेन बिजनेस ये संभालता है उनका बेटा, 25-27 साल का, MBA किया हुआ, यंग एनर्जेटिक मैन, और लंदन में वो सेंसबरी, टेस्को, ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनमें सप्लाई करते हैं, ट्रक के ट्रक इंपोर्ट करके। ये सब देखते हैं तो हमें तो लगता है अरे क्या कारोबार हो रहा है। हम फ्रूट्स वाले देखते हैं तो एक टोकरी लेकर के रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ, भाई सेब क्या भाव दिए, केला क्या रुपए डजन दिया, और ये लोग डील करते हैं पूरे कंटेनर के, कंटेनर मतलब पूरी शिप की, शिप सेब की। मैंने कहा एक शिप सफरजन की पूरी, एप्पल की, हजारों क्विंटल एप्पल। मैंने कहा कौन खाता है? कहते दो दिन में पूरा यूरोप खा जाता है, एंड ही सप्लाइज टू द प्रैक्टिकली होल ऑफ यूरोप, और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, और ये काम बेटा संभालता, होलसेल का काम है। कहते हैं दूसरे दिन मैं ऑफिस में बैठा था, कोई डच व्यापारी आया वहां पर, गोरा, खरीदने के लिए कोई फ्रूट, वो एक ट्रक खरीद रहा था। ये बेटे ने कहा उसको तीन ट्रक ले लो, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, 7 दिन के अंदर अंदर ये दाम 30-40% बढ़ जाएंगे, ले लो तुम 3 ट्रक, कमाओगे इसमें। डच व्यापारी ने पूछा इतने कॉन्फिडेंस से तुम कहते हो? बोलता हाँ आई नो कि 30-40% इसका भाव बढ़ने वाला है। डच व्यापारी ने पूछा तो फिर तुम मुझे एक ट्रक भी क्यों देते हो? वो आदमी भी सोचेगा ना, व्यापारी है वो ऐसा सोचेगा कि ये एक ट्रक के बदले 3 ट्रक खपाना चाहता है मेरे ऊपर, क्यों? इतने बड़े बड़े तुम्हारे कोल्ड स्टोरेज हैं, गोडाउन से भर दो एक ट्रक भी, हफ्ते भर के बाद निकाल, वहां तो साल साल भर रहते हैं कोल्ड स्टोरेज में, एक हफ्ता तो बात ही क्या है, एक हफ्ते के बाद तुम ही 30% ज्यादा कमाना ना इसके ऊपर, क्यों अभी दे रहे हो मुझे? उस व्यक्ति ने कहा इंडिया से हमारे गुरुजी आए हैं, उनके प्रवचन में मैं जाता हूं, और कल शाम को उन्होंने बताया कि अगर बिजनेस भी सक्सेसफुल रीति से करना हो तो ऐसे करना चाहिए, काजु हमार तासु हित हो ही। मैं तो ये तुझे 3 ट्रक देता हूं, उसमें भी मैं नफा प्रॉफिट मेरा ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा हूं ऐसा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आए हो तो तुम भी कमाओ, मैं तो कमाता हूं तुम भी कमाओ, हम दोनों साथ में परस्परम भावयंतः एक, और मेरे को कमाना है वो एक ट्रक आने वाली, दूसरी शिप आई नहीं है हफ्ते भर के बाद, मैं तो उसमें भी कमाऊंगा 30% ज्यादा, हो इसको मैं भर के रखूं, नहीं तुम कमाओ, मैं चाहता हूं कि तुम कमाओ। इस आदमी को इतना आश्चर्य लगा कि ये 25 साल का लड़का इतने आत्मविश्वास से बोल रहा, चलो कोशिश करें। उसने लिए 3 ट्रक, और वो लड़के ने कहा कि आज ही सुबह उसका फोन आया है कि जिंदगी भर मैं अगर फ्रूट खरीदूंगा तो केवल तुम्हारे पास से, कहीं और नहीं जाऊंगा। 4-5 अलग अलग सप्लायर थे, उस एक हफ्ते में भाव बढ़ गया 35%।
सच कह रहा था ये आदमी, कितना भरोसा लग बैठ गया उसको कि ये मेरा बुरा नहीं करेगा कभी। प्यारे भाइयों और बहनों, रामायण में जो भगवान श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत हैं, वो यूरोप के गोरे डच व्यापारी को भी प्रभावित करते हैं अगर वो सही रूप में समझे जाएं। ये जीवन के सिद्धांत हैं। कोई छोटा आदमी होता तो क्या समझता, रख दो ना ये एक ट्रक, अगले हफ्ते 30% ज्यादा कमा लेंगे, अपना फायदा किया लेकिन सामने वाले का भला नहीं देखा, कह देता, बहाना बना देता, नहीं है नहीं है, क्या नहीं है, कोई दूसरे के पास जाके ले लेता वो आदमी, और फिर पता चलता उसे कि हाँ इसलिए उसने नहीं दिया था, अब देखो बाजार में दे रहा है माल वो 30% ज्यादा में। जिंदगी भर कभी वो भरोसा नहीं करता इसके ऊपर। इस सिद्धांत को जीवन में रखना, काज हमार तासु हित होही, स्वयं जब कुछ ले रहे हो इतना सोचना सामने कुछ दे रहा हूं मैं, कल्याण हो, बस दृष्टि ही यही रहे कल्याण हो। अंगद लंका में प्रवेश करता है, द्वार के ऊपर ही रावण का एक पुत्र खेल रहा था, वो अंगद को मारने के लिए आया, अंगद ने एक प्रहार किया वो वहीं पे पूरा हो गया। लात मारने आया तो अंगद ने उसके वही पैर को पकड़ के घुमाया, पटका, पूरा हो गया। यह बात देख करके बाकी के राक्षस भाग गए। अंगद जी लंका में जा रहे हैं, जो भी लंकावासी देखते, अब उनको बेचारों को क्या पता कौन है, वानर आया है, चेहरा तो सबका समान लगता है। तो लंका वासियों ने सोचा कि वो पहले जो जला कर गया था ना वही आया है फिर से। इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए, जो भी अंगद जी को देखे सामने से कह दे सीताराम, रावण का महल इस दिशा में। भैया हमें कुछ मत कर, रावण का महल इस दिशा। रावण की सभा में अंगद पहुंचा, चर्चा की, उसको समझाया। रावण ने पूछा कौन हो, अंगद ने रावण से पूछा वाली को जानते हो, रावण भला कैसे भूल सकता था, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था रावाली संध्या कर रहा था और रावण वहां पहुंचा, पड़कारा ललकारा युद्ध के लिए, वाली ने केवल हाथ से पकड़ के रावण को अपने बगल में दबाया और आधे पौने घंटे तक जो उसकी संध्या पूजा चलती रही रावण ऐसे ही बगल में दबा रहा, कुछ नहीं कर पाया रावण, इतना बलवान वाली। जब अंगद ने पूछा वाली को पहचानते हो, रावण ने कहा हाँ वाली वाली, भला याद आ गया, वो गर्दन पे हाथ चला गया उसका, 45 मिनट तक दबा था अंदर, वाली बड़ा बलवान था वो। कौन हो तुम? बस वही वाली का पुत्र हूं मैं। ओ, वाली के पुत्र हो, कैसा है वाली, कैसा है? अंगद ने कहा मैं जो बात तुम्हें कहने के लिए आया हूं उसका अगर स्वीकार नहीं किया तो उन्हीं से जाकर पूछ लेना कि कैसे हो, गति यही होने वाली है। बहुत समझाया नहीं माना। इसमें यह भी बात आती है कि अंगद अपना पैर रखता है रावण की सभा में और कहता है रावण इस पैर को अगर हिला दिया ना मैं सीता हारा। पैर रखा है केवल, ये पैर को हिलाना, दो चार संतरियों को भेजा जरा हिलाओ, कोई नहीं हिला सकता।
बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा आए, कोशिश करते हैं, नहीं ला पाते। अंत में रावण स्वयं आया है, अंगद का पैर पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है। अंगद कहता है, भले आदमी मेरा पैर पकड़ता है, उससे तो बेहतर राम जी के पैर पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा। अंगद की जो योजना थी वो विफल गई, विष्टि नहीं माना रावण। युद्ध की शुरुआत, सेना को चार विभागों में बांटा गया, लंका के चार द्वार थे, चारों दिशाओं से आक्रमण। जय श्री राम, जय श्री राम का उच्चार करते हुए वानर बड़े बड़े पेड़ लेकर लंका के द्वार पर प्रहार करते हैं। लंकावासी डरने लगे, रावण ने आज्ञा दे दी, लड़ना पड़ेगा, जाओ। राक्षस लोग डरे हुए हैं, सबको पता चल गया रावण मरने के लिए भेज रहा है, बस हमारी मौत लेकर आया है, अब कैसे जीतेंगे यहाँ पर। रावण को पता चला कि सेना हार गई है, मन से रूप से निर्बल हुए हैं सब लोग। रावण ने कह दिया, रणभूमि से लौट कर जो वापस आएगा उनको मैं मार डालूंगा। पूरी सेना ने सोचा कि रावण के हाथों मरना, उससे तो बेहतर है कि रणभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते मरना। रणभूमि की ओर गए हैं अंगद और हनुमान जी, जाकर के पूरे लंका के एक एक मकानों को हिला के आ जाते हैं। महिलाएं छाती घुटने लगी, रावण को निंदा करने लगी है। वानरों ने राक्षसों की आधी सेना को खत्म कर दिया। मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है, मेघनाद ने वीर घातिनी शक्ति लक्ष्मण जी पर छोड़ी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, क्या होगा लक्ष्मण, उठो। लक्ष्मण बेहोश, लखन उठो, हो 14 वर्ष पूरे होने में बहुत कम समय बच गया है, लखन उठो। कैसे प्रवेश कर पाऊंगा मैं अयोध्या में तुम्हारे बिना, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मैया सुमित्रा को। और सुमित्रा तो कोई प्रश्न नहीं करेगी मुझसे, मां है ना। लेकिन लखन, अयोध्या के महल में जब मैं प्रवेश करूंगा उर्मिला खड़ी होगी द्वार पर, उसकी आंखों में जो आंसू होंगे, क्या कहूंगा मैं उससे। अपनी जोड़ी को अखंडित रखने के लिए मैंने उसकी जोड़ी तोड़ दी, अपने दाम्पत्य जीवन को अखंड रखने के लिए मैंने उसके दाम्पत्य की, उसके सुभाग के सिंदूर की बलि चढ़ा दी मैंने लंका की रणभूमि पर। क्या आश्वासन दूंगा मैं उर्मिला को। लखन जागो, उठो लखन, भगवान राम रुदन करते। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु कुछ क्षण। हनुमान जी लंका में गए, रावण का वैद्य था सुषेण, हनुमान जी ने कहा चलो, कहां
रणभूमि पर आवश्यकता पड़ी है। सुषेण वैद्य को उठाया, वो कहता है मेरे जरा बक्से ले लूं। डॉक्टर जब विजिट पे आता है तो बैग लेकर आता है ना, कुछ दवाइयां हो अंदर, ईसीजी का मशीन हो, ब्लड प्रेशर का मशीन हो, ले लूं सब। हनुमान जी कहते अच्छा ये भी लेना पड़ता है, कोई चिंता नहीं। उसके पूरे घर को उठा कर ले आए, दो बक्से ही क्यों, क्योंकि वहां जाकर के ये कहे कि ये दवाई रह गई वो वापस, पूरा तेरा गोडाउन भी ले ले साथ में चल। लक्ष्मण की जी के सामने लाके रखा, इसको कहा जागृत करो इनको। सुषेण वैद्य कहता है मैं नहीं कर सकता, क्यों, मैंने रावण का नमक खाया है, मैं रावण का पर्सनल फिजिशियन हूं, फैमिली डॉक्टर हूं, और ये तो दुश्मन का भाई है, मैं भला उसको कैसे ट्रीट कर सकता हूं जब युद्ध चल रहा हो, ये तो धोखा हो जाएगा रावण के साथ। जब यूं देखो तो बात सही है इसकी, रावण का पेड सर्वेंट है ये आदमी, और दुश्मन के भाई को कैसे ट्रीटमेंट दे सकता। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य के साथ चर्चा की और कहा तुम वैद्य हो, तुम्हारा कर्तव्य है मरीज को ठीक करना, वो मरीज मित्र है, दुश्मन है, अपना है, पराया है, ये सब देखने का तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम मानवता की सेवा के लिए हो। प्यारे भाई और बहनों, आज भी यह सिद्धांत है, दुनिया भर की किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसको एक ओथ लेनी पड़ती है, साइन करनी पड़ती है, प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। उनमें जो कुछ बातें, इनमें एक ये है कि मैं ये जो मेडिकल साइंस पढ़ा हूं या पढ़ी हूं, इसका उपयोग मानव की रक्षा के लिए करूं। फिर वो पुरुष है, स्त्री है, इस धर्म का है, उस धर्म का है, अमीर है, गरीब है, इस देश का है, उस देश का है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं देखूंगा मैं केवल इतना देखेंगे कि ये मनुष्य है और उससे मेरी सहायता की आवश्यकता है। दुनिया भर के डॉक्टर ये ओथ लेते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों को यह पता है कि ये ओथ का आरंभ हमारे हनुमान जी ने किया है। रामायण भारतीय संस्कृति महान है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हमने पढ़ा नहीं उसको ठीक तरह से, तब लगता है जो अच्छी अच्छी बातें, ओ इन द वेस्टर्न वर्ल्ड लुक एट दैट, दे डोंट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन, दे जस्ट ट्रीट Whenever a person goes in the emergency room, ये रामायण के सिद्धांत हैं भाई। हम अगर इन सिद्धांतों को भूल गए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो हमारे नहीं है, और अगर किसी दूसरे लोगों ने उनको याद रखा, कृतज्ञ बने उनके प्रति, उनकी अच्छाई की प्रशंसा अवश्य करें, इट इज ऑलवेज गुड टू अप्रिशिएट राइट थिंग्स इन लाइफ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने ग्रंथों को, रामायण तो बरसों पुरानी कहानी, पता है हमें, पता है ये सब बातें कि सिद्धांत हनुमान जी ने दिया है, और ये जब सिद्धांत आपको पता चलेंगे तब भारतीय संस्कृति के प्रति, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, अच्छाई तो अवश्य आएगी जीवन में।
सुषेण कन्विंस हो गए, हनुमान जी ने कन्विंस किया उसको, लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी, सब किया, डायग्नाइज किया प्रॉब्लम। लेकिन एक दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम अभी क्या है, इनके लिए जो दवाई चाहिए वो मेरे पास रेडी स्टॉक में है नहीं, और वो हो सकती भी नहीं रेडी स्टॉक में, क्यों, वो फ्रेश ही चाहिए। क्या चाहिए, संजीवनी जड़ी बूटी चाहिए, कहाँ मिलती है, हिमालय में। अच्छा, सुषेण कहता है सूर्योदय होने से पहले अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर निकाल सकता हूँ, वरना मुझे क्षमा कर देना, अगर सूर्योदय हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। राम जी फिर चिंता में, लंका में बैठे हैं, संजीवनी जड़ी बूटी चाहिए वो मिलती हिमालय में है, सूर्यास्त हो चुका है, रात हो चुकी है, और ये आदमी कहता है कि सूर्योदय होने से पहले जड़ी बूटी आनी चाहिए। इम्पॉसिबल हो गई ना बात, ये असंभव हो गई। इतना बड़ा समंदर लांग के जाएगा, और जाएगा तो रामेश्वर उतरेगा, हिमालय तक पहुंचे, वहां से जड़ी बूटी ढूंढ के ले आए सूर्योदय से पहले। राम जी की आंखों से फिर अश्रु बहने लगे, दृष्टि श्री हनुमान जी की ओर गई। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता न करें, ये काम हो जाएगा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। प्रभु आ जाएगी जड़ी बूटी। हनुमान जी खड़े हुए हैं, राम जी ने कहा हनुमंत याद है ना, इन्होंने कहा है कि सूर्योदय से पहले ये जड़ी बूटी चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु निश्चिंत रहें, जब तक मैं जड़ी बूटी लेकर आऊंगा नहीं, सूरज निकलेगा नहीं। पता है उसको, मैं छोटा था ना एक बार, जुग सहस्र जो जन पर भानु लील होता ही मधुर फल। वो तो छोटा था मैं, मधुर फल समझकर उसको खाने के लिए गया था, कांप गया था ये। चिंता ना करें प्रभु, जब तक मैं आऊंगा नहीं निकलेगा नहीं ये। गए हिमालय पर पहुंचे, जड़ी बूटी को देखा, लिया, केवल जड़ी बूटी को नहीं लिया, पूरे संजीवनी को, पहाड़ को उठा कर ले आए वहां से। अब कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी पता ही नहीं था, वानरी बुद्धि, थोड़ी सी जड़ी बूटी चाहिए थी, उसके बदले में पूरा पहाड़ लेकर आए। मत कहना कभी ऐसे शब्द, वानरी बुद्धि नहीं है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। तो फिर लक्ष्मण जी के लिए तो थोड़ी सी जड़ी बूटी चाहिए, पूरे पहाड़ को उठाकर क्यों ले आए। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं चला कि कौन सी है संजीवनी जड़ी बूटी, इसलिए हनुमान जी ने सोचा चलो समय बीत रहा है, उससे तो बेहतर है कि मैं पूरा पहाड़ ही उठाकर चलूं। यह भी बात गलत है, हनुमान जी को पता ना चले संजीवनी बूटी कौन सी है, इतने बुद्धिमान इतने ज्ञानी। क्यों उठाया पूरा पहाड़, इसमें श्री हनुमान जी की करुणा है। हनुमान जी ने वहां पर सोचा कि आज लक्ष्मण जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के लघु भ्राता है, छोटे भाई हैं, वो बीमार पड़े हैं, उनको आवश्यकता पड़ गई, इसलिए ये जड़ी बूटी चाहिए लेने के लिए विशेष ड्यूटी पर, ऑन स्पेशल ड्यूटी मुझे भेजा गया। युद्ध न जाने कब तक चलेगा, और युद्ध के मैदान में कोई छोटा सा सिपाही हमारा, कोई छोटा सा वानर, कोई छोटा सा भालू, कोई भी यही बात हो जाए, मूर्छित हो जाए, और उसके लिए संजीवनी जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई नहीं दौड़ाएगा मुझे बार बार, छोटे लोगों के लिए कौन दौड़ाता। अब जब मैं आया ही हूं तो पूरा पहाड़ लेकर चलूं, ताकि हमारी सेना के छोटे से छोटे सैनिक को भी यह पता चले बूटी वहां पर उपलब्ध हो लंका के रण मैदान में। यह हनुमान जी की बुद्धि है, यह हनुमान जी की करुणा है। बात भी सही है ना, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो
उनके घर में कोई बीमार पड़ गया हो, डॉक्टर कहें कि बीमारी बहुत यह है, इमरजेंसी है, आईसीयू में रखा है और 3.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है जो केवल लंदन में मिलता है, 12 घंटे के अंदर अगर ये इंजेक्शन यहाँ पर आ जाए तो हम कुछ इसको बचाने का दावा कर सकते हैं, वरना फिर बस ले जाइए, भगवान की जो इच्छा होगी होगा। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़ी पहचान है उनकी, बड़ा फैमिली है और महत्व का व्यक्ति है घर का, 3.5 लाख क्या बात हो, तुरंत कहेंगे डॉक्टर साहब चिंता मत करें, लिख के दीजिए इंजेक्शन का नाम। मोबाइल फोन से लगता है लंदन में फोन अपने किसी रिश्तेदार को या किसी स्वजन मित्र को, कहते हैं अभी के अभी निकलो, ये इंजेक्शन चाहिए, एक्स्ट्रा भी एक ले लेना, और लेकर के पहली फ्लाइट मिलती है बैठ जाओ, आ जाओ, एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी होगी, 10 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी इंजेक्शन लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्यों हुआ? बड़ा आदमी था, हो गया उसके लिए। लेकिन कोई बेचारा सामान्य व्यक्ति, बीमारी वही हो तो इंजेक्शन भी उसको वही लगेगा, डॉक्टर कहेगा 3.5 लाख रुपए का इंजेक्शन है, लंदन में मिलता है, 12 घंटे के अंदर लाओ। घर वाले कहेंगे साहब एक रात का भी हॉस्पिटल का भाड़ा क्यों भरे, वो भी शक्ति नहीं है हमारी, घर पे बैठ के हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे, जो भी भाग्य में होगा हमारे होगा। सोच भी नहीं सकते बेचारे, 3.5 लाख जिंदगी में कभी एक साथ में देखे नहीं, एक इंजेक्शन कहां से लाते? तो क्या उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं? हमारे श्री हनुमान जी सोचते हैं कि बड़े से बड़ा या हो या छोटे से छोटा, अगर औषधि है तो सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए पूरे संजीवनी पहाड़ को उठाकर हनुमान जी ले आए, उनकी करुणा है। पहाड़ को लेकर जा रहे थे, अब हिमालय से जाना है लंका तक, तो बीच में अयोध्या आई, प्रातः काल होने लगा था, ब्राह्म मुहूर्त, भरत जी जागे, देखा तो एक विचित्र आकार, आप जरा सोचो, वानर देह हो, पूंछ हो लटक, और बड़ा सा पहाड़ उठा के जा रहा हो, बिल्कुल अचंभे वाला दृश्य है ना। हाँ, तो ये जो देखा भरत जी ने अयोध्या के आकाश में, भरत जी ने सोचा, प्रतीक्षा कर रहे थे वो तो 14 वर्ष पूर्ण होने की, प्रभु वहां से आएंगे दक्षिण की ओर से, ये कोई राक्षस है क्या, क्या हो रहा है, मेरे प्रभु के मार्ग में विघ्न डालने जा रहा है, अरे पहुंचने नहीं दूंगा उसको प्रभु तक। भरत जी ने शरसंधान किया, श्री हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे पर ये शर तीर लगा, हनुमान जी आहत हुए, बेहोश होकर के धरती पर गिरे, दब से जो गिरे मुंह में से निकल गया हे राम। भरत जी ने जब ये सुना, ओ राम बोला, तो प्रभु का कोई भक्त लगता है, जल छिड़का, होश में ले आए, पूछा कौन हो, हनुमान जी ने पूरी बात बताई कि इमरजेंसी है, लक्ष्मण जी बेहोश हैं, उनके लिए औषधि लेकर। ओ भरत जी को इतना पछतावा हुआ, मेरे प्रभु का भक्त है ये तो मेरा आदमी, मैंने अपने आदमी के बारे में गलत फहमी कर दी, जो भगवान का काम करने निकला था उसके बारे में गलत फहमी कर दी, उसको दुख पहुंचाया मैंने, गलती हो गई। भरत जी ने सबसे पहले तो हनुमान जी के दाहिने चरण के अंगूठे के ऊपर तेल लगाया, मालिश की, लेकिन वो भरत जी का तीर लगा ना, श्री हनुमान जी को वो रह गई निशानी, लंगड़े से हो गए थोड़े, इसलिए अयोध्या के महात्मा तो बड़े प्यार से श्री हनुमान जी का जयकारा बुलाते समय कहते हैं, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, बोलिए श्री लंगड़े महाराज की जय। भरत जी ने तेल की मालिश की, श्री हनुमान जी के चरणों पर जो तेल चढ़ता है ना, इसके पीछे ये अर्थ है कि एक सही व्यक्ति के बारे में हमने गलत फहमी की, हम समझ नहीं पाए उसको,
निकला था प्रभु का काम करने के लिए और हमने अपने वर्तन से उसको दुख पहुंचाया, पछतावा होता है। यही तेल है। अब जब श्री हनुमान जी के चरण पर तेल चढ़ाओ ना शनिवार को मंगलवार को, तो मन में इतना ध्यान कर लेना कि हमारी वजह से ये गलती कभी ना हो कि किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में हम मिसअंडरस्टैंडिंग करें, उसके दिल को दुख पहुंचाए। बस अपनी तरह से सोच लेते हैं। भरत जी ने अपने, भरत जी भी राम के भक्त हैं, अच्छे आदमी हैं, भरत जी कोई गलत आदमी नहीं, अच्छे हैं, उनको भी राम के प्रति प्रेम है, लेकिन पूरी बात सोचे ही नहीं, बस जल्दबाजी कर ली, गलत फहमी। मनुष्य का स्वभाव है ना, किसी के बारे में गलत विचार पहले आ जाते। पूरी परिस्थिति कौन देखता है, गलत फहमी कर ली, पछतावा करना कि हमसे कभी ऐसा ना हो कि किसी संत, किसी महा, कोई अच्छा आदमी, कोई प्रामाणिक आदमी, उसके दिल को दुख पहुंचे हमारी वजह से, उसके कार्य में विलंब हो हमारी वजह से, ये पछतावा। तो तेल श्री हनुमान जी के चरण पर चढ़ाना, क्योंकि उनको जो वेदना है ना वो चरण में है। लोग मंदिर में जाके हनुमान जी का दिमाग बिल्कुल ठीक है प्यारे भाइयों, कोई समस्या नहीं है वहां पर, चरण पर चढ़ा। सिंदूर का लेप भी कर दिया, सिंदूर एंटीसेप्टिक होता है हमारे, घाव अगर कोई हो तो भर जाए जल्दी से, और कुछ नहीं, लेड ऑक्साइड है सिंदूर। बेटा हर्षल केमिस्ट्री याद चक गई सिविल इंजीनियरिंग में, चैताली खबर है बेटा, सिंदूर लेड ऑक्साइड। एंटीसेप्टिक का काम करता है। भर दिया उसको, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, उसके पीछे भी यही कारण। हनुमान जी के सिंदूर का तिलक जब लगाओ ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि अपनी वजह से किसी अच्छे आदमी को दुख न पहुंचे, हम कोई गलत फहमी न करें। सिंदूर यहां पर लगाते हैं, बुद्धि पर या यहां पर, बुद्धि के स्थान। छोटी छोटी बातों में भी इतना मतलब भरा हुआ। भरत जी ने हनुमान जी को एक बाण के ऊपर बिठा दिया, कहा पहुंच जाओगे, पहुंचे, जड़ी बूटी दी, लक्ष्मण जी जागृत हुए। तात्विक अर्थ इसका जरा समझना, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं और वैराग्य भी जब उत्साहहीन हो जाए, बेहोश हो जाए, तो राम को भी रुला देता है। राम ज्ञान के प्रतीक है, उत्साह जब बेहोश हो जाए तो ज्ञान भी रोने लगता है, वैराग्य जब बेहोश हो जाए। एक संत हुए गुजरात में निष्कुणानंद जी, बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखी, ज्ञान रे टके नहीं वैराग्य बिना। जीवन में जब तक वैराग्य नहीं होता, ज्ञान टिकता नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना, हम कथा सुनते हैं तब तो ऐसा लगता है हाँ, एक एक बात ऐसी है बस ऐसी, ओ हो, कभी नहीं भूल पाएंगे, इतने मूल्यवान एक एक शब्द। लेकिन जैसे ही कथा पूरी होती है, आरती होती है, परिक्रमा लगाते हैं और घर पे जाते हैं, तो फिर याद ही नहीं आता क्या सुना था, इतनी ज्ञानपूर्ण बातें सब सुनी, कहां गए, क्यों नहीं टिका, क्योंकि वैराग्य नहीं था। और वैराग्य का अर्थ यह मत समझना कि केवल भगवे कपड़े, गेरुए कपड़े पहनकर निकल जाएं, वो वैराग्य नहीं है। तो
वैराग्य का अर्थ है अनअटैच्ड, जल कमलवत। कमल खिलता है कीचड़ में ही, पानी में ही, लेकिन कीचड़ की दुर्गंध कमल नहीं देता, वहीं रहता है। रहो संसार में जल कमलवत, बुराई मत लेना समाज की, अच्छाई उठाओ, जल कमलवत। इसे कहते हैं वैराग्य, जो सामने आ गया उसका स्वीकार, पूर्ण रूप से प्रेम से स्वीकार। किसी का तिरस्कार मत करना, कोई सद्भावना लेकर के तुम्हारे पास आता है तो उसका तिरस्कार मत करना, लेकिन उससे चिपक के भी मत रहना। हो गया हो गया, वो एक क्षण आनंदित हो गया, दिव्य हो गया, हो गया, बस जीवन की धारा को बहने दो आगे। इसको कहते हैं वैराग्य, बहते रहो जीवन के प्रवाह के साथ, अटके मत रह जाओ। और ये वृत्ति अगर होगी तो ही ज्ञान टिकता है। अधिकतर लोग क्या है, संसार में अटक गए, कोई संपत्ति पे अटक गया, कोई कीर्ति पे अटक गया, कोई सत्ता पे अटक गया, कोई किसी दुश्मनी पे अटक गया, अटक गए, अटके की दुखी हुए, बहते रहे। गंगा की धारा बहती है ना, हिमालय भी आता है, पहाड़ भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, हरियाली भी आते हैं, रेगिस्तान भी आता है, बड़े बड़े शहर भी आते हैं, छोटे छोटे गांव भी आते हैं, और निर्जन प्रदेश भी आते हैं। गंगा अगर कह दे अरे वाह क्या प्यारा सा शहर है इलाहाबाद, बस यहीं रुक जाए, इलाहाबाद छोड़ के आगे जाना ही नहीं, बहती रहेगी। वो हिमालय को भी छोड़ेगी, हरिद्वार को भी, ऋषिकेश को भी छोड़ेगी, हरिद्वार को भी छोड़ेगी, सबको छोड़ते रहती है। कानपुर को भी छोड़ेगी। हमारे जो मुख्य मल्होत्री परिवार है गोयनका कानपुर से, आलोक जी और हुई है कथा, कानपुर में गए थे गंगा स्नान करने, कानपुर से थोड़ी दूर पर बिठूर, ऐतिहासिक स्थान है, कोई कानपुर से बिठूर पता है, 1857 का विप्लव जहां से जुड़ा हुआ है वो स्थान। मैं तो कहीं जाऊं तो पूरी फिर छानबीन कर लूं। नाना साहेब पेशवा और ये सब वहां, नाना फडणवीस और ये सब वहां रहे थे, याद है, वहां रहे थे। वहां जो गंगा जी का प्रवाह है बड़ा प्यारा सा, स्नान किया, बहते रहती है गंगा। ये नहीं कहेगी कि रुक जाए कानपुर में, बहते रहती है। रसिक भाई ना, रसिक भाई ठक्कर यजमान थे वहां पर, वो ले गए। बहते रहो बस, वैराग्य वो है, और वो जब होगा तभी ज्ञान टिकता है। वैराग्य जब बेहोश हो जाए, ज्ञान भी रोने लगता है, उस समय श्री हनुमान जी प्रतीक हैं ब्रह्मचर्य के, ब्रह्मचर्य वैराग्य को जागृत कर सकता है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है, पूरी बात बताई, क्योंकि कुंभकर्ण ने, कुंभकर्ण कैसा था, एक बार सोए और छह महीने, एक बार भोजन करे और छह महीने तक सो जाए। जब जगाया उसे कुंभकर्ण ने कहा भी तो चार ही महीने हुए हैं मुझे सोकर, क्यों जल्दी उठा दिया। रावण ने बात बताई कि ऐसा है इसलिए। कुंभकर्ण ने कहा रावण तुम गलती कर रहे हो, रामचंद्र के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता। कुंभकर्ण ने कहा मैं ये सोचना नहीं चाहता, मैं तो बस सब किसी भी कीमत पर मुझे सीता चाहिए।
कुंभकर्ण कहता है रावण सीता केवल श्री रामचंद्र जी की हो सकती है, अन्य किसी की नहीं। गलत मार्ग पर हो तुम, रुक जाओ। रावण कहता है यह सुनने के लिए नहीं जगाया तुझे। कुंभकर्ण कहता है मैं समझ सकता हूं सीता सुंदर है, तुझे इच्छा है उसकी, तो और भी रास्ते हैं ना, तू समझ ले कि सीता केवल रामचंद्र की हो सकती है। युद्ध में तू राम को मार नहीं सकेगा, लेकिन तेरे पास और भी तो विद्याएं हैं, माया भी है, तो राम का रूप ले ले, राम बनकर जा सीता के पास, शायद तेरी हो जाए। रावण ने कहा इतनी अकल मेरे पास नहीं थी क्या, ये विचार पहले ही आ गया मेरे मन में, और मैंने कोशिश भी की कि उस वनवासी का रूप लेकर के मैं जाऊं। रावण कभी राम नाम नहीं बोला। उस वनवासी का रूप लेकर के मैं जाऊं, लेकिन समस्या यह है कि उसका रूप अगर मुझे लेना हो तो मुझे उसके नाम का जप करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता। किसी का भी रूप लेना हो तो स्मरण करना पड़ता। समझो आप हट्टे कट्टे अच्छे हैं और किसी नाटक में आपने लंगड़े का रोल निभाना है, रूप लेना है लंगड़े का, तो आपको याद रखना पड़ता है कि मैं लंगड़ा हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं लंगड़ा हूं, तभी वो रूप अच्छा हो। नहीं तो गलती से ऐसे 10 कदम लंगड़े पे चले और 11वां कदम सीधा होकर चलने लगे तो जूते पड़ेंगे ऑडियंस में से, टमाटर आएंगे। ध्यान रखना पड़ता है मैं लंगड़ा हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं लंगड़ा हूं। ऐसे राम का अगर रूप लेना हो तो राम का स्मरण करना पड़ता है कि मैं राम, मैं राम, मैं राम, राम राम राम। रावण कहता है उस वनवासी का जब मैं नाम लेता हूं तो मुझे मंदोदरी भी मां जैसी लगती है, सीता के साथ दुर्व्यवहार का तो संबंध ही पैदा नहीं होता। इसके नाम का इतना प्रभाव है, मैं कैसे लूं उसका नाम, उसका रूप कैसे लूं। कुंभकर्ण जागा, लड़ने के लिए तैयार हुआ। कुंभकर्ण ने अनेक वीरों को मारा है, हनुमान जी को भी बेहोश किया है उसने युद्ध में। तात्विक अर्थ भूख और निद्रा का प्रतीक है कुंभकर्ण। भूख और निद्रा जब अत्यंत जागृत हो जाए, अत्यंत अधिक मात्रा में बढ़ जाए, तो ब्रह्मचर्य भी होश गवा देता है। सुग्रीव ने जाकर के कुंभकर्ण के नाक कान काट डाले। ये भूख और निद्रा को जीतने का उपाय कौन सा है, केवल एक ही उपाय है, सुग्रीव। सुग्रीव जिसकी ग्रीवा में राम का स्मरण है, वो सुग्रीव है। प्रभु का स्मरण अगर कर, बहुत नींद आ रही है, राम राम जो भी मंत्र आपका हो बोलने लगो, निद्रा चली जाए। अधिक भूख लगी है, कुछ लोग ऐसे माताओं का अनुभव है, 45 साल की उम्र हो, ऑफिस से घर पे पहुंचा है, वो 1.5 महीने के 1.5 साल के बच्चे जैसा हो जाता है, बार बार किचन में जाके भूख लगी क्या बनाया, बैठो ना कुछ बना रही हूं अभी, बताना जल्दी से कुछ है, कोई डिब्बा लाना कुछ, ये चाहूंगी। बहन जी कहते हैं बच्चे जैसे हो जाते हो, भूख अगर बढ़ जाए और निद्रा अगर बढ़ जाए, ब्रह्मचर्य होश गंवा देता है। उस समय क्या करें अब कथा करना, जब आए ना अंदर तो कहना सुग्रीव बन जाओ, एक माला जप लो जाओ, तब तक तैयार हो जाएगा कुछ। भगवत स्मरण करोगे कम से कम दूसरे को परेशान तो नहीं करोगे। क्रोधित कुंभकर्ण ने वानर सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। श्री रामचंद्र जी भी आक्रोश में आ गए, शरसंधान किया। कुंभकर्ण बड़े बड़े पर्वत उठा करके राम जी को मारने के लिए दौड़ा है, परमात्मा ने उसकी भुजाएं काट डाली, शिरच्छेद किया, मस्तक कुंभकर्ण का रावण के पास जाकर गिरा। कुंभकर्ण मरा, रावण बहुत दुखी हुआ है, रोने लगा। ये आदमी इतना मैनिपुलेटिव है, पूरे परिवार को ध्वस्त कर दिया उसने,
एक बचा था मेघनाद अब बेटा बस। रोने लगा। मेघनाद ने कहा, पिताजी रोते क्यों हो, मैं हूं ना अभी रण में, ज्यादा मैं जाऊंगा। रावण ने कहा, इसीलिए तो रो रहा हूं क्योंकि मैं तो कह नहीं सकता कि मरने के लिए जा, सब मरे, अब एक बेटे को कैसे कहे। रोने लगा। मेघनाद ने खुद कह दिया, पिताजी मैं जा रहा हूं। रावण ने आंसू पोंछ लिए। दूसरे दिन मायावी रथ पर चढ़ के मेघनाद रण मैदान में बड़े बड़े सर्प बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री राम जी स्वयं नागपाश में बंध गए। पूरी वानर सेना को उसने बांध लिया है। जामवान जी ने मेघनाद को त्रिशूल से मारा। मेघनाद मूर्छित हुआ। गरुड़ जी को बुलाया गया भगवान श्री रामचंद्र जी की नागपाश को छोड़ने के लिए। गरुड़ जी ने आकर के सर्पों को खा लिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी को मुक्त किए, लौट रहे थे। गरुड़ जी के मन में विचार आया कि भगवान रामचंद्र जी हैं, पूरी दुनिया को मुक्ति देते, लेकिन वो स्वयं जब बंधन में आ जाए ना, तब तो मेरी ही आवश्यकता पड़ती। दुनिया को मुक्त करे राम, और राम जी को मुक्त करता हूं मैं। भगवान ने सोचा, अरे गरुड़ को भी अहंकार आ गया, काकभुशुंडी जी के पास भेजा है उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए। रामचरितमानस के उत्तर कांड में बड़ा सुंदर वर्णन है काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद का। व्यक्ति को अहंकार आ जाए ना, फिर उसका पतन होता है। नहीं तो गरुड़ जी भगवान के वाहन, इतने ज्ञानी, इतने सक्षम और पक्षीराज कहलाते हैं, ये होश जब हो गए प्रभु, तो उनको ज्ञान लेने के लिए किनके पास भेजा, काकभुशुंड जी, कौवे के पास। पक्षियों में सबसे तिरस्कृत जो होता है कौवा होता है, कोई रखता नहीं कौवे को घर में, उनके पास भेजा। वो भी ज्ञानी है लेकिन काकभुशुंड। मेघनाद भी लक्ष्मण जी के हाथों मरा है। मरते समय उसने राम जी का स्मरण किया है। हनुमान जी मेघनाद के मृतदेह को लंका के द्वार तक छोड़ाए। दूसरी सुबह रावण बड़े से रथ में बैठकर रण मैदान में आया। विशाल चतुरंगिणी सेना को लिए के रामचंद्र जी के सामने खड़ा रहा। दृश्य अपनी आंखों के सामने निर्माण करना, बहुत बड़ा रथ, उसमें शक्तिमान रावण, बख्तर पहने हुए हैं, मुगुट है, शिरत्राण पदत्राण देहत्राण, हाथ में ढाल, बड़े बड़े शस्त्र, सामने धरती पर खड़े हुए श्री राम वनवासी के वेश में, केवल धोती है और अंगवस्त्र है, खेस, खुला शरीर, खुला मस्तक, जटा, चरण भी खुले। दालमिया जी आ गया, मैसेज आ गया, चिंता मत करो, हो जाएगा। अपने हाथ में है रावण को कब मारना। जितनी जल्दी आपको भूख लगेगी उतना जल्दी रावण मरेगा। प्रभु विनाथ पादुका के विभीषण ने यह दृश्य देखा, प्रभु के पास जाकर कहता है, प्रभु प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट माई ब्रदर, केही विधि जीता बबीर बलवाना, यह संभव नहीं है प्रभु,
रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। बड़ा अनूठा प्रसंग है, लेकिन क्षुधा शांति भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कथा तो अगले साल भी कर सकेंगे, भला भोजन समारंभ अगले साल थोड़ी होगा। तो धर्मरथ के सुंदर विषय को दूर से ही वंदन करके, क्योंकि यह विषय में अगर मैं प्रवेश करूंगा तो एक घंटे से कम समय नहीं लगेगा, कम से कम केवल धर्मरथ पे 9 दिन प्रवचन होते हैं। दूर से वंदन करके कि प्रभु हमें पता है आप विजयी होने वाले हैं, जल्दी से आप राजगद्दी पर बैठ जाएं, आपका प्रसाद हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं नहीं, सब होगा, चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं, मैं परिवार का सदस्य हूं। जो आपकी चिंता है वो मेरी चिंता है, और हम सभी की चिंता एक ही है, रावण जल्दी मरे। कोई और चिंता नहीं है हमारी, हमारी चिंता केवल एक ही है कि रावण जल्दी मरे और भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक जल्दी से जल्दी हो जाए। भारतीय संस्कृति के संतों की एक ही चिंता है, समाज में हो सके उतना जल्दी राम राज्य आ जाए। रावण और रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा है। माया भी युद्ध करने लगा रावण, विजय के लिए यज्ञों की शुरुआत की उसने। हनुमान और अंगद ने जाकर के उन यज्ञों का नाश किया। दूसरा दिन रावण फिर से रण मैदान में, भगवान श्री रामचंद्र जी ने शांग धनुष धारण किया। अब रावण मायावी युद्ध करने लगा। भगवान जब उसके मस्तक को काटे, उसकी भुजाओं को काटे, आश्चर्य, कटे हुए मस्तक फिर से उग जाते, कटी हुई भुजाएं फिर से निर्माण हो जाती। ठीक वैसे ही जैसे पापियों के पाप दूर करने की कोशिश करो लेकिन फिर से आ जाते हैं। इतनी कोशिश करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, रावण मर नहीं रहा। जो भी देह का अंग कटता है फिर से आ जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक प्रश्नार्थ दृष्टि से पास में खड़े विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने कहा, प्रभु केवल मस्तक और भुजाएं काटने से मेरा भाई नहीं मरने वाला, कारण उसकी नाभि में अमृत का कुंभ है। जैसे ही शरीर का कोई अंग कटता है अमृत आ जाता है, नया अंग निर्माण हो जाता है। अगर वो अमृत कुंभ टूटे, मिल गया रास्ता। शांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने पीछे भत्थे में से एक साथ में 31 प्राण निकाले। दुनिया में कभी नहीं हुई थी ये घटना, आज हो रही है। जो शरसंधान किया एक साथ में 31 प्राण निशान लिया, 31 के 31 प्राणों का अलग अलग लक्ष्य था। धनुष्य की रस्सी को कान तक खींच के ले आए, मंत्रोच्चार किया, सन्न से तीर छूटे,
10 तीर भगवान श्याम रामचंद्र के जो छूटे हैं, 10 तीर रावण के मस्तकों को उड़ाकर चले गए, 20 तीर रावण की 20 भुजाओं को उड़ा के चले गए और 31वां तीर रावण की नाभि पे जाके लगा है। अमृत कुंभ टूटा, बिना मस्तक बिना हाथ वाला रावण रणमंच पे कूद रहा है, नाच रहा है। अमृत जब खत्म हो गया, धब से नीचे गिरा और उसका तेज भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख में जाकर समाया। रावण की मृत्यु हुई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। मंदोदरी रण मैदान पे आई, रो रही, नाथ आपके भय से धरती भी कांपती थी। स्वयं शेषनाग और कुर्म भी जिसके बोझ को उठा नहीं सकते थे, ऐसे आप, ये आपका शरीर धूल में गिरा है। क्यों हुआ ऐसा? राम विमुख असहाल तुम्हारा, ज्ञान था विज्ञान था, विद्वान थे भक्ति थी, पराक्रम था शौर्य था, संपत्ति थी सत्ता थी, सब कुछ था, तुम्हारे पास क्या नहीं था? एक बात केवल, कभी आप राम जी की शरण में नहीं गए, ये हाल हुआ। पतिदेव, तुम्हारे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचा, तुम्हारा अग्नि संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा। एक था विभीषण सौतेला भाई, पुत्र तो सारे मर चुके। विभीषण ने ना कह दिया, इनकार कर दिया, मैं नहीं, प्रभु को जितने इतनी परेशानी दी, जिसकी वजह से प्रभु को इतनी परेशानी, उसको मैं अग्नि, मेरा भाई था तो क्या हुआ, कोई संबंध नहीं उससे मुझे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, विभीषण, रावण जब तक जिंदा था तब तक उससे सारी दुश्मनी, अब वो मर चुका, अब दुश्मनी कैसी? विभीषण, तुम अगर अग्नि संस्कार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। ये भगवान राम क्षमावीर। और याद रहे, ये निर्णय जब भगवान सुनाते हैं ना, अभी भी सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है, कितनी स्थिरता होगी। जिंदा था, गलत मार्ग पर था, हमने सजा दी उसको, मर गया, अब कैसे निंदा उसकी है? ये तैयारी हमारी, कर सकते हैं हम किसी को क्षमा? हर एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी दुश्मनी खड़ी कर देते हैं, छोटी सी बात जिसमें कोई दम ही ना हो, कोई बात ही ना हो। रावण की मृत्यु हुई, सीता जी को हनुमान जी ले आए अग्नि परीक्षा। बड़े सुंदर अर्थघटन हैं, आगे की कथाओं में मैंने किए हैं, यहां पर अभी समय की अत्यंत मर्यादा आ गई हमारे पास। ये तो प्रश्न होता है, अग्नि परीक्षा क्यों की, त्याग क्यों किया सीता जी का बाद में, ये बड़े सुंदर विषय हैं, अगली कथाओं में मैंने किए हैं, डीवीडी होगी सुन लेना।
क्यों हुआ ये सब? विभीषण का राज्याभिषेक किया गया। लक्ष्मण जी ने एक सुझाव दिया, प्रभु रावण को तो आपने मारा, तो लंका पर अधिकार भी आपका है, 14 वर्ष पूरे होने को ही हैं, बाद में राज्याभिषेक आप ही का हो जाए यहां पर। राम जी कहते हैं, नहीं, हमने विभीषण को वचन दिया है कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, लंकेश करेंगे, विभीषण ही बनेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, आपका वचन है तो पालन होना ही चाहिए उसका, लेकिन एक और सुझाव है प्रभु। क्या? सुवर्णमयी लंका है, अनगिनत संपत्ति है प्रभु, फाइनेंस मिनिस्टर अयोध्या का रखें, कंट्रोल रहेगा तिजोरी के ऊपर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण विक्रीते करीम किम अंकुशे विवादम, पूरे हाथी को बेच दिया, आप अंकुश की कीमत कर रहे हो, उस पर नजर बिगाड़ रहे हो। ये तो ऐसी बात हुई कि महंगी वाली आपकी गाड़ी आपने सेकंड हैंड में बेची, कोई खरीदने आया है, पूछा भाव, आपने कहा 15 लाख, उसने कहा ठीक, गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, 15 लाख भी अच्छा सौदा है, महंगी वाली गाड़ी 15 लाख भी, तो तुरंत तैयार हो जाता है, हाँ हाँ देता हूँ 15 लाख, सौदा मंजूर। गाड़ी की चाबी देते देते कहते हो, लिखो गाड़ी के 15 लाख, लेकिन वो अंदर जो जैक है ना उसके 150 अलग से हैं, जरा ये कट के इधर ही आ जाए कि और कुछ। 15 लाख तूने दे दिए तो ये नहीं माने, इन्हें मानू वो तो करत नहीं। 15 लाख तूने दे दिए, जैक के लिए। लेकिन ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, राम जी उनमें से नहीं। लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका सुवर्णमयी हो फिर भी वो मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, क्यों? अब मुझे मेरी मातृभूमि अयोध्या और मेरी माता याद आ रही है। पुष्पक विमान कुबेर ने दिया, रणभूमि पर अमृत की वर्षा की, पुष्पक विमान में बैठकर चले, सीता जी को लेकर एक एक मार्ग बता रहे हैं, मार्ग में सीता ये देखो रणभूमि, यहाँ पर युद्ध हुआ, यहाँ रावण को मारा, सीता ये सेतु बंध है यहाँ पर जो हमने सेतु बांधा, सीता दर्शन करो, ये भगवान रामेश्वर जी की स्थापना की है हमने, सीता ये जो है ना वो ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव यहाँ, हनुमान जी यहाँ मिले, ये पंपा सरोवर, सीता ये शबरी का आश्रम है, प्रयाग में उतरे, हनुमान जी को भेजा है जाओ भरत को समाचार दे दो, और दूसरे दिन प्रयाग से जब विमान उठा, मार्ग में गंगा जी का प्रवाह आया, केवट नाव तैयार रख के बैठा था, कहने लगा बस प्रभु अब विमान मिल गया तो नौका को भूल गए। भगवान कहते हैं, प्यारे केवट 14 वर्ष पहले का ऋण अभी तक चुकाया नहीं है, नया ऋण कहां से निर्माण करूं? क्या इच्छा है बोल। प्रभु आपके साथ रहना है बस। सरजू के तट पर कहीं भी रह लूंगा,
आपके साथ रहूंगा, आपका दर्शन करता रहूंगा, जो छोटी मोटी सेवा बताते रहेंगे करता रहूंगा, जितना शेष जीवन है प्रभु आपके साथ बिताना है बस। उसकी श्रद्धा देखी, प्रभु ने उसे साथ में ले लिया। लंका कांड को प्रणाम करें, उत्तरकांड केकी कंठा भनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाड्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नारा चचापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकीशम रघुवर मनीषम पुष्पकारूढरामम कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी रज रस सरोज लालितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ कुंद इंदु गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभिष्ट सिद्धिदम कारुणीक कल कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। तीन श्लोक में मंगलाचरण किया। अयोध्या के लोग अत्यंत आतुर थे प्रभु का स्वागत करने के लिए। हनुमान जी ने जब जाकर भरत जी को समाचार सुनाए कि प्रभु पधार रहे हैं, भरत जी इतने प्रसन्न हो गए, पूरी अयोध्या में बात फैल गई, प्रभु पधार रहे हैं, प्रभु पधार रहे हैं। बाहर पूरे नगरवासी आकाश की ओर दृष्टि है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विमान आया, प्रभु उतरे। विमान में से सबसे पहले लक्ष्मण जी बाहर उतरे, माताएं खड़ी थी सामने, दौड़ते हुए लक्ष्मण जी गए हैं। कौशल्या जी से कहने लगे, मैया हमने बहुत पराक्रम किए। मैया बड़े लोगों की एक और मर्यादा ये, वो जब कोई बड़ा काम करें उनको भी उत्सुकता होती है कि सुनाएं किसी को, लेकिन किसको सुना सकते हैं, जो उनसे बड़ा हो आदरणीय हो उनके पास जाकर कह सकते हैं, अपने से छोटों के पास तो कोई पिता समझो बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाया तो अपने 3 साल के बेटे को आके कहेगा, ये बेटा देख देख मैं 5 लाख कमा के आया, नहीं कह सकता वो। लेकिन उसके पिता अगर घर में बैठे हो तो वो जाके कह सकता है, पिताजी आपकी कृपा रही, आपका मार्गदर्शन रहा, आपने जो सिखाया था बस वही सिद्धांतों को आचरण में ला रहा हूं, आज बिजनेस में अच्छी सफलता मिल रही है पिताजी। तो बड़ों से कह सकते हैं, छोटों से तो नहीं कह सकते। लक्ष्मण जी ने पराक्रम किया किनके सामने, वानरों के सामने तो वर्णन कर नहीं सकते वो, तो इतनी इच्छा थी। और इच्छा तो होती है, हमने अगर कुछ प्राप्त किया हो, कुछ उपलब्धि की हो तो बताएं। लक्ष्मण जी कौशल्या मैया के पास जाकर कहते, मैया हमने ये पराक्रम किया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, रावण की लंका में जाकर उसका वध किया है मैया। कौशल्या जी कहती है, बेटा वो तो तू करेगा ही, रघुवंश की संतान हो तुम। लक्ष्मण की दावी बाई छाती पर से उपवस्त्र हटाते हुए और वहां पर हाथ फेरते हुए कौशल्या जी ने पूछा, बेटा मैंने सुना था युद्ध के दौरान तुम्हें तीर लगा था, तुम बेहोश हो गए थे, वो अब कैसा है बेटा? ये मां है, जो चिंता करती है वो मां होती है। मां को हमेशा चिंता, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना समर्थ हो जाए, मां को हमेशा चिंता होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी विमान में से नीचे उतरे, उनके मन में प्रश्न हुआ, पहले प्रणाम किसको करें? तीनों माताएं खड़ी हैं सामने, स्वाभाविक था कौशल्या को जाके प्रणाम करते, लेकिन लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए हैं, तो रामचंद्र जी ने सोचा मैं सुमित्रा को जाके प्रणाम करूं, ये माता ने 14 वर्ष के लिए अपना पुत्र मुझे दे दिया सेवा में। सुमित्रा की ओर आगे बढ़े हैं प्रभु रामचंद्र जी, बिल्कुल जाकर सुमित्रा को प्रणाम करने ही वाले थे, पास में खड़ी कैकेयी को देखा है, कैकेयी को प्रभु ने पहले प्रणाम किए। भगवान राम जी कहना चाहते हैं, जब तक मैं इसका स्वीकार नहीं करूंगा तब तक कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा।
कई कई को प्रणाम किए हैं, कई कई ने राम को छाती से लगाया, आंखों में से अश्रु की धारा बह रही है। कई कई कहती है, राम हाँ मैया एक इच्छा है पूरी करोगे? पास में खड़े हुए लोगों ने सोचा, ये अभी इसकी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है? 14 वर्ष पहले जो इसकी इच्छा हुई थी। राम जी कहते हैं, बताओ मैया क्या है इच्छा? राम, ये भरत से कहो ना मुझे मां कह के पुकारे। 14 वर्ष से उसके मुख से मां नहीं सुना, मैं तो अधिकार गंवा चुकी हूं। तुम बड़े भैया हो, तुम्हारी बात को भरत टालता नहीं है, कहो ना मुझे मां कह के। ये मां का हृदय स्वागत किया गया। महल में पहुंचे, प्रभु का राज्याभिषेक हुआ, स्नान करवाया गया प्रभु को। कौसल्या मैया ने 14 वर्ष पहले सारी रात जागकर जो वस्त्र बनाए थे वो आज दिए गए। वस्त्र पहनकर श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ सिंहासन पर बैठे। सुंदर सा दृश्य था, अद्भुत घटना होने जा रही थी। स्वर्ग में से देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी अपने अपने विमानों में बैठकर आ गए हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी मंत्रोच्चार करते हुए सिंहासन के पास आए। भगवान श्री रामचंद्र जी के ललाट पर तिलक किया है। यह दृश्य जब हुआ, सभा में जितने भी लोग थे सभी को एक साथ में दशरथ जी का स्मरण हो, आंखों में आंसू आ गए। आज अगर राजा दशरथ होते तो कितना अच्छा, ये उनकी इच्छा थी। मेरा राम राजा बने, नहीं देख पाए अपने पुत्र, सबकी आंखों में। अब रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का प्रसंग हो और सब लोग आंखों में आंसू लिए खड़े हो, कोई कुछ बोले नहीं। विमान में देवता लोग थे, उन्होंने ये बाजी को अपने हाथ में ले लिया है। पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया, दिव्य मंगल ध्वनि वहां से बजने लगा और देवताओं ने सबसे पहला जय जयकार किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने जैसे ही जय जयकार किया, फिर प्रजा ने भी जय जयकार शुरू किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम राज्य की स्थापना हुई। बड़ा सुंदर उत्सव, तत्पश्चात सुंदर प्रसंग है। एक एक मित्रों को विदाई दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम राज्याभिषेक की बात कहकर फिर उत्तरकांड की शुरुआत कर देते हैं, जहाँ ज्ञान भक्ति की बात है, कलयुग के वर्णन लक्षण बताए, काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद बताया। सरयू तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को विराम देते हैं। कैलाश पर शिव जी ने भी भवानी के सामने जो वर्णन कर रहे थे पूरा किया। प्रयाग के तट पर, गंगा के तट पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जो याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे थे वो पूरी करने का वर्णन नहीं आया। वो बात नहीं आई कि याज्ञवल्क्य जी ने गंगा के तट पर कथा पूरी की। बड़ी सूचक है ये बात, कहना चाहते हैं
कि जब तक गंगा का प्रवाह चलता रहेगा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, सत्संग की यात्रा इस राष्ट्र में, इस विश्व में चलती रहेगी। कथा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। दुनिया का कोई भी वक्ता ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैंने कथा पूरी कह दी। कभी नहीं हो सकती। ठीक, समय का अभाव है, लेकिन चार चार घंटे, पांच पांच घंटे, नौ नौ दिन तक, छह छह घंटे भी कथा करो, कथा पूरी नहीं होती। तो आप ये मत रखना कि अरे जल्दबाजी हो गई। नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हुआ, जो हुआ है। कथा कभी पूरी होती ही नहीं। राम पारायण तो पूरा होने आया है, अब राम परायण बनने की जिम्मेदारी हमारी है। व्यासपीठ से बहती हुई ये गंगा आपके हृदय में प्रविष्ट हो चुकी, अब गंगा की इस धारा को प्रवाहित रखना ये आपका कर्तव्य है। आज के युग में अत्यंत आवश्यक इसलिए है बहुत अच्छा बताया है कि त्रेता युग में तो एक रावण था, आज कलयुग में घर घर लंका, जन जन रावण, हाय इतने राम कहां से लाऊं। राम जी को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर के राम तत्व को प्रकट कर देना, रावण तत्व अपने आप निर्मूल हो जाएगा। और सत्संग की जो ये यात्रा चलती है इसी हेतु से, 11 वर्ष पूर्ण हुए, ये 11वीं कथा थी, अगला वर्ष 12वां वर्ष। हमारे शास्त्र में 12 वर्ष की बड़ी, उसको कहते हैं एक तप, 12 वर्ष का समय हो उसे कहते हैं एक तप। अगले वर्ष ये सत्संग यात्रा का आपका एक तप पूर्ण होगा। साल की गिनती ऐसे की जाती थी, एक तप, दो तप, पांच तप। तपस्वियों से अगर पूछा जाए कि उम्र कितनी हुई तो कहेंगे 7 तप, 84 की उम्र हुई, 7 तप ऐसे कहेंगे, 7 वर्ष 84 वर्ष नहीं कहेंगे, 7 तप। और ये शब्द मराठी भाषा में बहुत सुंदर पकड़ा हुआ। मराठी भाषा में किसी संस्था को, अपने लोग क्या करते हैं, 10 वर्ष की पूर्ति, 15 वर्ष की पूर्ति, 25 की सिल्वर जुबिली, 50 की गोल्डन, 60 की अलग अलग जो होते हैं डायमंड, प्लेटिनम, ये तो पश्चिम की संस्कृति है। हमारे यहाँ जो महोत्सव होता है, मैं बीज बोए जा रहा हूँ आज कि अगले वर्ष आपको क्या करना है, हमारे यहाँ जो महोत्सव होता है वो दशाब्दी है। हमारे यहाँ 10 साल की पूर्ति की होती, फिर 12 वर्ष पर, 25-50 की बात हमारे यहाँ नहीं है। सिल्वर गोल्डन ये लोग करेंगे, वो सोना चांदी के बाहर आते ही नहीं। हमारे यहाँ 12 वर्ष का जब समय हो जाए तपह पूर्ति, मराठी भाषा में ऐसा होता है, किसी संस्था को 12 वर्ष हो तो कहेंगे तपह पूर्ति 16, एक तप संपूर्ण झाला आमचा। आप 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हो, तपह पूर्ति समारोह होगा ना अगले साल। तो ये सत्संग की धारा को प्रवाहित रखना, मंगलाचरण करें। नियम ऐसा है कि अंतिम दो श्लोक तो मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्त्यैतु रामायणं मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषा बद्ध निबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोह पलापहं सुविमलं प्रेमांबुपूरं शुभम्।
श्रीमद राम चरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर् दहयन्ति नो मानवः। चार बातें महत्वपूर्ण। हम सब लोग एक मिनट के लिए मौन रखेंगे। पिछले 9 दिन से जो विचार हमने सुने हैं, इन विचारों को हमारे अस्तित्व में स्थिर होने का मौका देंगे और साथ में ही प्रभु ने जो एक कठिन परीक्षा इस बार हमारे सत्संग परिवार की ली है, कथा के आरंभ के पूर्व संध्या में ही मुख्य मनोरथी और परिवार के एक अनूठे सक्रिय सदस्य हमारे अपने आदरणीय शंकरलाल जी गोयंका को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। प्रभु की इस लीला को भी हम प्रणाम करें। दस दिन पहले हमारी मनस्थिति कुछ अलग थी। बीतते हुए समय में स्वीकार करना प्रभु तेरी कृपा से ही संभव हुआ है। और इससे बढ़कर श्रद्धांजलि सदगत शंकरलाल जी को और क्या हो सकती थी कि उनकी पसंदीदा प्रवृत्ति अच्छे से अच्छी तरह से हमने ये कथा की। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित रहे, राम नाम का आनंद लूटा, परिवार से बिल्कुल संपर्क में हूं मैं, हमारे आलोक जी सभी के साथ, शंकरलाल जी के जो भाई हैं उनके साथ भी मैं बिल्कुल संपर्क में हूं। वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं उत्तर क्रियाओं का, और ये भी एक श्रद्धांजलि के रूप में तो हम ये भी प्रार्थना करेंगे इतने सारे लोग मिलकर कि प्रभु हमारे प्रिय शंकरलाल जी की आत्मा प्रभु आपके चरणों में है, आप उस आत्मा को शांति प्रदान करें, सदगति प्रदान करें, और जो जो उनके संकल्प थे उनकी इच्छाएं थी वह पूर्ण करने की परिवार को शक्ति दे, हिम्मत दे, माता जी को भी हिम्मत मिले। प्रार्थना हम सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। उसके बाद नियम ऐसा है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होना चाहिए। रोज तो हम करते थे मंगलाचरण के 7 श्लोक, आज मैं बोलूंगा, आप शांति से श्रवण करना उसका। पुस्तक में आपके पास है मंगलाचरण शुरुआत में, मानस सुधा में श्रवण करना शांति से। उसके बाद ऋग्वेद का अंतिम मंत्र बड़ा प्यारा लगता है, एक संकल्प उसमें किया है ऋषियों ने, समानी व आकूति समाना हृदयानी व, हम सभी के इरादे समान हो, हम सभी के मन समान हो, हम सभी के हृदय की भावनाएं समान हो, और एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में हम विकास करते रहे, एक राष्ट्र के रूप में, ये भी कहूँगा 26 जनवरी है तो आज राष्ट्र के रूप में भी हम समर्थ हों, ये प्रार्थना परमात्मा के चरणों में रखें। और अंत में 9 दिन के यज्ञान यज्ञ के दौरान वक्ता के रूप में मुझसे कोई दोष हो गया, श्रोता के रूप में आपसे कोई दोष हुआ हो, आयोजकों से कहीं कोई गलती हो गई हो, कल से ही मुझे कहने लगे हैं सब आयोजक, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, कोई गलती, मैंने कहा गलती कहाँ की, सब परिवार के एक ही सदस्य हैं, नहीं हुई गलती, अच्छी तरह से, श्रद्धा से, उत्साह से, प्रेम से हमने यह सत्कर्म किया है, फिर भी जानते हुए अनजाने में कहीं कोई गलती रह गई हो,
संतों ने कहा, तीन बार हाथ ऊपर करके जोर से श्री हरये नमः का उच्चार अगर करें तो ये दोष दूर होते हैं। एक एक बार मैं उच्चार कराऊंगा, आपको जोर से श्री हरये नमः उच्चार करना है तो पहले एक मिनट का मौन, उसके बाद मंगलाचरण का श्रवण, उसके बाद ऋग्वेद का अंतिम मंत्र, एक एक चरण में मेरे बाद में आप लोग, और फिर तीन बार हाथ ऊपर करके उच्चार करेंगे श्री हरये नमः। आप सभी के हृदय में बैठे परम तत्व को प्रणाम करते हुए मैं ये वांग्मय तुलसी दल परमात्मा के चरणों में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा येर्भमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितीर्षावतां वन्देऽहन्तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। समानीव आकूते समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनः
समानमस्तु वो मनः यथावः सुसहासति यथावः सुसहासति। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् श्री हरये नमः 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 अच्युतं केशवं श्री राम नारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिये सियावर रामचन्द्र भगवान की जय। पवनसुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। जगदम्बे माप की जय। सदगुरु देव की जय। नमः पार्वती वदे सुत हनुमान की जय। इस कथा में जिन जिन लोगों ने तन मन धन समय दे करके अपना कौशल्य प्रदान करके इस सत्कर्म को सफल बनाया, उन सभी के ऊपर, किसी का नाम नहीं लेना है क्योंकि सब अपने ही हैं, उन सभी के ऊपर परमात्मा के आशीर्वाद की वृष्टि हो, यही सद्भावना करते हुए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।